गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। बहुत दिनों के बाद सुबह के समय क्लास ले रहे हैं क्योंकि विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो वर्तमान में शायद ही भारत की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें इसके सवाल न आते हो। काफी ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है और इसी कारण से हमने सोचा है कि इस टॉपिक को 2-2.5 घंटे कंप्लीट कवर करवाया जाए भारत और विश्व के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन हैं, सम्मेलन हैं। इस क्लास को हमने या हमारी पूरी टीम ने ईयर वाइज अरेंज करने की कोशिश की है, वर्ष के आधार पर इसको अरेंज करने की कोशिश की है। मतलब इसमें सम्मेलन और संगठन सब एक साथ है लेकिन एक ईयर वाइज सीक्वेंस हमने बनाने की कोशिश की है, तो आप भी ईयर वाइज चलने दीजिएगा। इसके लिए अलग से 10 या 12 पेज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स लगेंगे, लेकिन ये जो 10-12 पेज आपके तैयार हो जाएंगे ये एक तरीके का लाइफ टाइम वर्क है। जी हाँ, लाइफ टाइम इसीलिए कहा मैंने ताकि सिलेक्शन तक आपको फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि करंट में कोई मुद्दा चर्चा में आता है तो केवल उस पर गौर किया जाएगा। तो आज की क्लास पर जरा ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है इस क्लास का और आपको ईयर वाइज अरेंजमेंट होगा तो थोड़ा क्लियरिटी रहेगी और कुछ प्रमुख बातें जो मैं बताते चलूंगा उस पर ज्यादा गौर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से आज की इस कक्षा का। लेकिन उससे पहले सभी को फिर से सूचित कर दे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस समय यदि आप अनएकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। अपने तैयारी की शुरुआत करिए भारत की सबसे बड़ी टीम के साथ। एमके लाइव रिफर कोड आप यूज कर सकते हैं। इस समय यदि आप 12 महीनों का सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हैं कॉम्बो में और जीएस में 18 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। और जो सबसे बड़ा ऑफर इस समय है कि 18 मंथ का यदि आप प्लस कॉम्बो लेते हैं या आइकॉनिक कॉम्बो लेते हैं, कॉम्बो मतलब ऑप्शनल और जीएस दोनों, तो आपको सीधा 32% का डिस्काउंट दिया जा रहा है एमके लाइव रिफर कोड के साथ। अपने नंबर को बढ़ाने के लिए आप टेस्ट देते चलिएगा। जनरली सैटरडे के दिन सीसेट का टेस्ट है और हर वीकेंड वीकडेज में जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच, लाइव मेंटरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ओपन हाउस विद एजुकेटर में डायरेक्ट डाउट पूछने का मौका मिलता है। कल का जो टेस्ट है, जी हां कल का जो टेस्ट है वो 40 क्वेश्चन का 60 मिनट का टेस्ट है। और हो सकता है कि मैंने जैसे कल कहा था कि हम रहेंगे इस टेस्ट में, हो सकता है कि इसी बहाने एक लैपटॉप जीत जाए या हो सकता है मोबाइल। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे साथ, प्रेजेंट रहिएगा टेस्ट के अंदर, देखते हैं कि किसमें कितना है दम। तो कल सभी लोग हमारे साथ जरूर इस टेस्ट को दीजिएगा, हो सकता है कि कंपटीशन का मजा आएगा, मास्टर के साथ एक बार कंपटीशन भी कर लेंगे। बाकी आप लोग कई बार जो भी टेस्ट देने हैं, 15-15 मिनट के भी टेस्ट है, बड़े टेस्ट भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारे टेस्ट, पर रिफर कोड एक लगेगा आपको टेस्ट देने के लिए एमके लाइव। आपके परिचय में भी कोई अनएकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा हो तो उन्हें जरूर सूचित करिएगा एमके लाइव। ये सभी अनएकेडमी के सब्सक्रिप्शन पर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको दिलाता है। आइए हम बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ये बात पता होगी कि पर्यावरण के विषय में काफी ज्यादा वैश्विक संगठन है जो सक्रिय हुए हैं, खास करके 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के बाद।
वैसे तो बहुत पुराने संगठन भी थे, लेकिन भारत में उनकी जानकारी तब नहीं इसलिए थी क्योंकि लोगों के अंदर उतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि पर्यावरण से जुड़े हुए कई सारे संगठन संस्थाओं पर बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब प्रश्न पूछे गए तो इसके बारे में जानकारियां लोगों तक पहुंची। ईयर वाइज अरेंजमेंट करने की हमारी टीम ने पूरी कोशिश की है। कोई आगे पीछे हो जाए तो आप लोग इसको सेट कर लीजिएगा। 2-2.5 घंटे का ये क्लास रहेगा जिसमें हम पूरे पर्यावरण के सारे संगठनों को खत्म कर देंगे। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हम देखेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, एक बार इंडेक्स पर एक नजर डाल देते हैं कि आज हम क्या क्या कवर कराने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें हम कवर कराएंगे। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ग्रीन पीस, स्टॉकहोम सम्मेलन, UNEP, साइट्स एंड ट्रैफिक, CMS, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, IPCC, वेटलेन इंटरनेशनल, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौता, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्याटो प्रोटोकॉल, कार्टोजेना प्रोटोकॉल, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर स्टॉकहोम सम्मेलन, कोइलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, बाली सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र रेड कार्यक्रम रेड प्लस कार्यक्रम, कानकुन सम्मेलन, नागोया प्रोटोकॉल, आईची लक्ष्य, दोहा सम्मेलन 2012 का, किगाली समझौता 2016, पेरिस सम्मेलन 2015, ये आगे पीछे हुआ सकता है, मैड्रिड सम्मेलन, और अभी जो हुआ था मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 15वां कॉप 15 था। तो ये कहीं बार में पूरे सम्मेलन, बड़ी मजेदार क्लास इसलिए क्योंकि आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, मतलब संगठन सम्मेलन सारी चीजें एक ही बार में। इसमें हम जैव विविधता वाले भी देख लेंगे, ओजोन डिप्लेशन वाले भी देख लेंगे, क्लाइमेट चेंज वाले भी देख लेंगे, वन्य जीवों से जुड़े हुए भी देख लेंगे, इंटरनेशनल भी देख लेंगे, नेशनल भी देखेंगे। हम भारत से जुड़े हुए संगठनों की भी चर्चा आज ही इसमें करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से, आज की क्लास 2-2.5 घंटे सुबह का टाइम पूरी तरह से डेडिकेट करिए। शनिवार की यह सुबह पूरी तरह से पर्यावरण को समर्पित करिए। और नोट्स आपको लगे तो साथ साथ बनाते चलिएगा, बढ़िया से 10-12 पेज लगेंगे इसमें, पर खूबसूरत ढंग से एक ही बार पूरे संगठन समाप्त हो जाएंगे, समाप्त होने का मतलब कि पढ़ लिए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से आज के कक्षा के। सबसे पहला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसे WMO के नाम से भी जाना जाता है। देखो पुराने जमाने में पहले पर्यावरण तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन जो क्लाइमेट है कि कितनी बारिश होगी, कहाँ तूफान आएंगे, कहाँ बादल हैं, कहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है, कहाँ पर लो प्रेशर है, ये चीजें थोड़ा सा महत्वपूर्ण मानी जाती थी। नई नई शुरुआत हुई थी, नई नई चीजें खोजी गई थी उस समय। तो ये बहुत पुराना संगठन है, पुराना संगठन है। ये संगठन 1873 का है, तब इसका नाम अंतरराष्ट्रीय मौसम संगठन होता है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आइए आज एक शब्द से मुलाकात करा दूं आप लोगों की।
सर अंतरराष्ट्रीय और विश्व में क्या अंतर है, बात तो एक ही है। नहीं भाई, बात एक नहीं है, यह ऐसा लगता होगा। शब्द जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंध या अंतरराष्ट्रीय शब्द सुनते हैं तो वह अभी भी दो राष्ट्रों के बीच की बात करता है, कितने, इंटरनेशन, दो या दो से अधिक राष्ट्रों की बात करता है, 20 राष्ट्रों की बात करता है, 30 राष्ट्रों की बात कर सकता है। इंटरनेशनल, नेशनल के बीच का। लेकिन महोदय जब वो वर्ड शब्द यूज करता है ना तो उसका नाम विश्व बन जाता है, तब वो विश्व के सभी देशों को समझाता है, तब वह विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए भले ही आप अपनी जिंदगी में इससे पहले इंटरनेशनल और वर्ल्ड को एक ही शब्द समझते होंगे, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़ा अंतर है इन शब्दों का। इंटरनेशनल भले ही आपको लगेगा कि अंतरराष्ट्रीय है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय में सभी राष्ट्रों की भूमिका है यह स्पष्ट नहीं होता है। जब उसका नाम विश्व बन जाता है, जब हम उसके नाम में जोड़ देते हैं विश्व मौसम विज्ञान, तो अब वो प्रत्येक राष्ट्र के प्रति जवाबदेह, जिम्मेदार बनने की कोशिश करता है। इसलिए याद रखना कि इंटरनेशनल ट्रीटी दो और तीन देश के बीच की भी हो सकती है, चार देश के बीच की भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से जुड़ी हुई रीजनल भी हो सकती है, लेकिन वह विश्व अगर नाम रख दिया जाए तो वह सभी के मध्य की बात को बताता है। जरा मुझे एक बार कमेंट्स करिएगा, कितने लोग आज पहली बार समझ पाए कि अंतरराष्ट्रीय और विश्व में भी अंतर होता है। अंतरराष्ट्रीय शब्द का अभिप्राय दो या दो से अधिक राष्ट्रों के लिए होता है, लेकिन विश्व का अभिप्राय समस्त राष्ट्रों के लिए उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल बात आपको हल्की सी लग रही होगी, लेकिन बहुत बड़ा अंतर मान लिया जाता है इनके शब्दों के नामकरण से। तो पहले यह यूरोप और कुछ देशों तक सीमित था, फिर बाद में इसमें संशोधन किया गया, तो 1873 का सबसे पुराना संगठन था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसे फिर विश्व मौसम संगठन का दर्जा मिला 23 मार्च 1950 को। जब इसको विश्व संगठन का दर्जा मिला तो यह यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत लाया गया, ताकि विश्व के सभी देशों में पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर विश्व के सभी जो देश है उसमें पर्यावरण ना सही पर मौसम से जुड़ी हुई बातें शेयर की जा सके। तो यूनाइटेड नेशन की एक आधिकारिक संस्था बनी और इसी कारण से 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे होता है, विश्व मौसम दिवस होता है। इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, आप लोगों को पता होगा कि 21-22 मार्च को क्या होता है, किसी को पता है ज्योग्राफी में 21-22 मार्च को क्या घटनाक्रम होता है? इसका पीडीएफ भी हम उपलब्ध करा देंगे। 21-22 मार्च को कोई बता सकता है कौन सी संक्रांति हो रही है कि विशु आ रहा है? विशु की स्थिति होती है, इक्विनॉक्स होता है, सूर्य बिल्कुल विषुवत रेखा पर होता है, ये कौन सा इक्विनॉक्स कहलाता है, बसंत वाला या शरद वाला, मतलब बसंत वाला? नहीं, संक्रांति तो 22 आप शायद भूल रहे हैं, विषु होता है, अद्भुत है, थोड़ा चीजों को देख लिया करिए। 21 मार्च या 22 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर, 23 सितंबर और 22 दिसंबर,
ये इक्विनॉक्स होता है, विषुवत रेखा पर कर्क संक्रांति होती है, यह फिर इक्विनॉक्स होता है और यह मकर संक्रांति की बात होती है, ज्योग्राफिकली सूर्य की पोजिशनों के आधार पर। तो ठीक एक दिन बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन को वैश्विक दर्जा दिया गया और इस वैश्विक दर्जे के साथ ही 23 मार्च से विश्व मौसम दिवस मनाया जाने लगा। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड, आप अगर सोचेंगे कि अधिकतर सेंटर स्विट्जरलैंड में क्यों है, तो एक बहुत बड़ा रीजन इसके पीछे ये भी है कि इकलौता स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध कहिए या प्रथम विश्व युद्ध कहिए या कई विश्व युद्ध कहिए, उसमें कभी भाग नहीं लिया। स्विट्जरलैंड ने अपने संविधान की एक पॉलिसी बनाई है कि वह किसी भी गुटबाजी का हिस्सा नहीं होगा। वो यूनाइटेड नेशन का भी सदस्य बहुत बाद में बना, क्योंकि उसका कहना है कि भाई हम लोग बिना किसी गुटबाजी के जीवित रहेंगे, और इसी कारण से स्विट्जरलैंड के साथ लगभग विश्व के सभी देशों के संबंध है। तो स्विट्जरलैंड एक अच्छा देश तो है ही माहौल मौसम के हिसाब से, लेकिन इसका जो पॉलिसी है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कारण भी वैश्विक संगठन स्विट्जरलैंड की ओर आकर्षित होते हैं। सोचो कि अगर भारत में संगठन बनाए जाते तो पाकिस्तान मना कर देता कि भाई हम नहीं आएंगे इस संगठन में। जो भी अलग अलग कंट्रीज गुटबाजी वाले, हो सकता था कि अमेरिका पहले मना कर सकता था। सोचिए कि चीन में संगठन होते तो भारत मना कर सकता था, अमेरिका में संगठन होते अधिकतर तो रशिया मना कर सकता था, रशिया में होते तो अमेरिका का गुट मना कर सकता था। हमें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां कोई विरोध ना करे, तो वो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में अधिकतर वैश्विक संगठन दो कारणों से मिलते, एक तो उसके अपने संविधान की पॉलिसी है और दूसरा वहां का जो क्लाइमेट है वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव करता है। तो एक अंतर सरकारी संगठन है, इसका मतलब है कि यह सरकारों ने मिलकर बनाया है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, देशों की शासन व्यवस्थाओं ने, सरकारों ने मिलकर बनाया है। ये एनजीओ नहीं है, एनजीओ सरकारों को छोड़कर बनाया जाता है, यह सरकारी संगठन है। तो विश्व मौसम संगठन 1873 में बना, 1950 23 मार्च को इसे विश्व मौसम संगठन नाम दिया जाने लगा और 23 मार्च को ही विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आता है, साथ ही साथ एक अंतर गवर्नमेंटल संगठन है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। मेरे साथ चीजें याद करते चलिएगा, आज हम टॉपिक केवल पढ़ेंगे नहीं, आज याद भी करते चलेंगे। तो पहला संगठन जरा तेजी से कमेंट्स करते चलिए, पहले संगठन के बारे में आपको क्या क्या पता चला। 1873, 23 मार्च 1950, 1950 23 मार्च के बारे में भी आपको एक जानकारी दी मैंने, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके चर्चाएं की है हमने, यूएन से जुड़ा हुआ एक आधिकारिक संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो ये सारे पॉइंट थोड़ा सा इमेजिन करिए, याद होने चाहिए अब साथ साथ, मतलब बाद में पढ़ेंगे नहीं, साथ ही साथ याद करते चलेंगे। और बार बार मास्टर कहेगा नहीं कि शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए, यह आपको करना है खुद ही, आपके नैतिक दायित्व है। ये मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं चीजों को आपको सीधा याद करवा दूं, तो आपका भी नैतिक दायित्व है कि आप सही चीजों को प्रमोट करेंगे, और ये ऐसे कार्य न करने वाले को फिर से पाप लगेगा। बढ़िया, 23 मार्च को हम विश्व मौसम दिवस मनाने लग गए हैं। अब थोड़ा सा उनकी ऑफिशियल साइट से, हमारी टीम ने आज मेहनत बहुत की है, तो उनकी ऑफिशियल साइट से भी चीजों को निकाला गया है। अब जरा उनकी ऑफिशियल साइट्स पर क्या लिखा है, जरा उस पर भी गौर करते हैं। इसे बस सुन लेना, इसको, इसमें कोई नया पॉइंट मिले तो उसको जोड़ देना, बाकी सुनते चलिएगा। हो सकता है कि आपको अगर क्लियर ना भी दिखाई दे, केवल सुनते चलना, मैं पढ़ रहा हूं। द वर्ड मेट्रोलॉजिकल, वर्ड मेट्रोलॉजिकल
ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विथ ए मेंबरशिप ऑफ 193 मेंबर, विश्व के 193 देश है इसके सदस्य अब, 193 मेंबर स्टेट एंड टेरिटरीज। वैसे तो एक्चुअली कहेंगे 193 मेंबर में भी आप अगर देखेंगे तो 187 कंट्रीज है और 6 टेरिटरीज है। टेरिटरीज मतलब जो किसी एक तरीके से पूर्ण रूप से स्वतंत्र क्षेत्र नहीं है, जैसे कि तिब्बत का क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, एक अलग राष्ट्र नहीं, चीन के अंतर्गत आता है। तो ऐसे विश्व में कई सारी जगहें भी हैं। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द रूट ऑफ विच वर प्लांटेड एट द 1873 वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। 1873 में वियना में एक सम्मेलन हुआ था, उसका नाम था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। उस समय इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट बाय रेटिफिकेशन ऑफ द WMO कन्वेंशन ऑन 23 मार्च 1950। WMO बिकम ए स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशन हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिक्स साइंस। मतलब यह हाइड्रोलॉजी पर भी काम करती है और साथ ही साथ जियोफिजिकल साइंस पर भी काम करती है। द सेक्रेटरिएट हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल, इट्स सुप्रीम बॉडी इन द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस। मतलब विश्व में जो भी सम्मेलन होते होंगे मौसम से जुड़े हुए, उसको एक तरीके से हेड करती हैं, उसका मार्गदर्शन करती हैं। तो 193 मेंबर है इसके, कितने मेंबर हैं तेजी से कमेंट्स करते चलिएगा। बहुत ही बढ़िया दयानंद, पाप लगेगा मैं बता दे रहा हूं, सभी लोग शेयर करते चलेंगे। इधर ध्यान देना, 193 मेंबर है इसके, 193 मेंबर हैं। अब आते हैं दूसरा है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो 1873 के बाद 1922, ये भी बहुत पुराना संगठन है और ऑब्वियसली पक्षियों के संरक्षण के लिए सबसे पहले कदम उठाए गए। मतलब यदि किसी जीवों में किसी के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए तो सबसे पहले पक्षियों के लिए। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल काफी पुराना एनजीओ है ये एनजीओ। सोचिए 1922 में हम अपने देश की आजादी के लिए ही लगे हुए थे और विश्व में पक्षियों के संरक्षण का एक संगठन बनाया गया था। प्रकृति संरक्षण का सबसे बड़ा और पुराना वैश्विक संगठन, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, सबसे पुराना संगठन यदि पूछा जाए कि जो पर्यावरण में या वन्य जीवों के संरक्षण में पार्टिसिपेट करता है, तो वह बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है। इसको पहले पक्षी संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय समिति कहते थे, पक्षी संरक्षण के लिए इंटरनेशनल कमिटी कहते थे। वर्तमान का जो नाम है वो 1933 में आया बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, और एक पत्रिका छापता है वर्ल्ड वॉच, पत्रिका का नाम है वर्ल्ड वॉच नामक त्रैमासिक पत्रिका। हर 3 महीनों में वर्ल्ड वॉच पत्रिका आती है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से। एक एनजीओ है, लेकिन एनजीओ होने के बावजूद भी कई देशों की सरकारें भी इसका हिस्सा है। सोचिए कि एक एनजीओ में, मतलब आप एक ऐसा एनजीओ बनाएं कि सरकारें उसका हिस्सा बनने लग जाए, तो इंटरनेशनल लेवल पर उसका इंपॉर्टेंस कितना होगा आप समझ सकते हैं। इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है, तो 1922 में प्रकृति संरक्षण का सबसे बड़ा और पुराना वैश्विक संगठन है। और यदि हम बात करें तो वर्ल्ड वॉच नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है, एनजीओ है और कैम्ब्रिज में इसका मुख्यालय है। आप इनकी वेबसाइट पर यदि जाएंगे तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कुछ इस तरीके की चीजें आपको दिखाई देगी। वी आर ग्लोबली फैमिली, अवर 115 नेशनल पार्टनर कवरिंग ऑल कंट्रीज। मतलब इनके लगभग 115 देशों में अलग अलग संगठन भी सदस्य हैं। बहुत ही बड़ा जाल है, पूरे विश्व के अलग अलग देशों में इनके प्रतिनिधि हैं, इनके संगठन हैं, जो कि पर्यावरण या बर्ड से जुड़ी हुई, पक्षियों से जुड़े हुए संरक्षण पर काम करता है।
वी ऑर्गेनाइज अवर वर्क स्ट्रेटजिकली अराउंड स्पीशीज साइट सोसाइटी एंड सिस्टम, मतलब पक्षियों की प्रजाति पर काम करते हैं, पक्षियों की प्रजाति पर काम करते हैं, पक्षियों की जगह स्थान पर काम करते हैं, एक कंप्लीट सिस्टम एक तंत्र बनाते हैं कि यहाँ पर इनका संरक्षण कैसे हो, और समाज के लोगों को भी उसके साथ जोड़ते हैं। तो आइए जरा देखते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, मेरे साथ याद करते चलिएगा, चीजें याद होनी चाहिए अब, क्योंकि बहुत पढ़ाई कर ली, अब सीधे याद पर आइएगा आप सभी लोग। 1922 विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन याद करते चलेंगे, कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज के साथ साथ एक एनजीओ है, ये सरकार का नहीं है मुख्य रूप से, प्राइवेट। यदि हम बात करें तो स्पीशीज साइट्स सिस्टम और सोसाइटी, चार एस पर काम करता है ये, 4S स्पीशीज साइट सिस्टम सोसाइटी, इसलिए इसको 4S ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जा सकता है, 4S ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जा सकता है। तो पहला हमारा हुआ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हमने देख लिया है बर्ड इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल याद रखिएगा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, क्योंकि 115 देशों में इनके प्रतिनिधि मिलते हैं, 115 कंट्रीज में। फिर आते हैं 1922 के बाद 1948 में, अब आते हैं 1948 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। इसके नाम में यूएन कभी कभी दिखने के कारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यह भी एक एनजीओ है, यह भी एक एनजीओ है, इसका यूनाइटेड नेशन के अंडर में होने का कोई भी रिलेशन नहीं है, यह यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। हां, यूनाइटेड नेशन में इसको परिवेक्षक का दर्जा दिया गया है कि यूनाइटेड नेशन की बैठकों में आप आ सकते हो, इसके प्रतिनिधि आ सकते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही महोदय हर 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष रेड डाटा बुक पब्लिश करता है। पूरे विश्व में रेड डाटा बुक काफी महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है संरक्षण के मामले में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्या नाम है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्राकृतिक या प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना है। इसमें कई देशों की सरकारें भी भाग लेती हैं, सरकारें इनको पैसा भी उपलब्ध कराती हैं, लेकिन है एक एनजीओ, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे जैसे आपके जैसे लोगों ने पहले बनाया, पर उसके काम के कारण, उसकी ईमानदारी के कारण उसका महत्व बढ़ता चला गया। 1948 में इसकी स्थापना हुई, स्विट्जरलैंड के ग्लेंड में इसका मुख्यालय है। 1963 से हर चौथे वर्ष रेड डाटा बुक जारी करता है। इस रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में जानकारी होती है, जिन पर खतरा है विलुप्त होने का, उनकी आबादी कम हो रही होगी, तो यह रेड डाटा बुक के माध्यम से दुनिया को आगाह करता है कि कितनी प्रजातियां संकट में है, कितनी विलुप्त हो चुकी हैं। इसको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कभी कभी कहा जाता है, बट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 ग्लेड स्विट्जरलैंड एनजीओ है। 1963 से हर चौथे वर्ष रेड डाटा बुक भी छापता है। उनकी वेबसाइट पर आइए, उनकी वेबसाइट में क्या लिखा है, सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1948 IUCN हैज बिकम द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन द स्टेटस ऑफ
नेचुरल वर्ड एंड द मेजर नीडेड टू सेफ गार्ड इट द नॉलेज एंड इट द टूल IUCN प्रोवाइडेड आर क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग दैट ह्यूमन प्रोग्रेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेचर कंजर्वेशन टेक प्लेस टूगेदर. मतलब मनुष्य का विकास, आर्थिक समृद्धि और प्राकृतिक संरक्षण साथ साथ चले. इसके चार सेक्टर हैं. ये चार सेक्टर पूछे जा सकते हैं. IUCN चार क्षेत्र में काम करता है. पहला क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर. दूसरा सस्टेनेबल एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी जो लंबे समय तक निरंतर मिल सकती है. नवीकरणीय ऊर्जाओं पर बात करें तो आजीविका, यह गरीब लोगों के लिए विकल्प उपलब्ध कराता है कि वह अपनी जिंदगी कैसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं विश्व के. और ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था. चार सेक्टर पर ये काम करता है. IUCN संयुक्त राष्ट्र का परिवेक्षक दर्जा प्राप्त एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, किंतु IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है. वैसे अब ये एकमात्र नहीं रहा. पहला संगठन है जिसको परिवेक्षक का दर्जा दिया था. अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी, परिवेक्षक का दर्जा दे दिया गया है. ये मैंने आप लोगों को बताया था. तो IUCN परिवेक्षक क्या होते हैं भाई? एक्चुअल में कई प्रकार के मेंबर होते हैं संगठन में. जैसे कि एक तो मेन है जो संगठन बनाते हैं, संगठन में वोटिंग करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मीटिंग में भाग लेते हैं. कुछ लोगों को सुपरविजन, परिवेक्षक के रूप में बुलाया जाता है कि भाई आप आइए हमारे संगठन को देखिए, पर आप मतदान नहीं कर सकते हैं, आप बातचीत या बोल नहीं सकते, आप केवल सुनेंगे. फिर कुछ इनेक्टिव पार्टनर भी होते हैं जिनको बोलने का मौका दिया जाता है लेकिन वोटिंग का मौका नहीं दिया जाता है. तो कई टाइप के पार्टनर भी जोड़े जाते हैं संगठन में. तो परिवेक्षक का मतलब होगा कि आप केवल परिवेक्षक देखने आइए. जैसे मान लीजिए कि मेरा मूड है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, तो मैं जब ऊपरी की गैलरी में बैठूंगा पार्लियामेंट के, तो मैं एक परिवेक्षक हूँ. मैं केवल देख रहा हूं कि कामकाज कैसे होता है. मेरे ना तो कोई विचार वहां लिए जाएंगे, ना वोटिंग में मैं पार्टिसिपेट करूंगा. तो समझ जाइएगा कि परिवेक्षक का दर्जा है. सतत विकास की संकल्पना के विकास में प्रमुख योगदान IUCN, WWF और UNEP का है. मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को देने के पीछे इन महोदय की बहुत बड़ी भूमिका रही. पेरिस समझौता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति में IUCN एक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है. तो IUCN पर वापिस आ रहे हैं, याद तो अभी करेंगे. IUCN 1948 NGO है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में. 1963 से रेड डाटा बुक पब्लिश करता है और चार विषय पर काम करता है. क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी, आजीविका और ग्रीन इकोनॉमी पर. IUCN से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसे सुपरविजन या परिवेक्षक ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया. सुपरविजन नहीं कहेंगे, ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है. और पेरिस समझौता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर यह काम करता है. 2015 का सवाल अब आप लोग ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा इसमें. पहले हिंदी में देख लीजिए, बहुत बड़ा प्रश्न UPSC ने दिया था. बट कई बार बड़े प्रश्न देखकर घबराइए नहीं. आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो आपको आंसर दिखाई देंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना था. अभी हमने साइट्स नहीं पढ़ा है, बाद में देखेंगे. अभी साइट्स भी आगे आएगा. प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इसका फुल फॉर्म UPSC ने अलग दिया है, तो ये भी आप फुल फॉर्म लिख दीजिएगा. ये फुल फॉर्म भी नया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इसका नया नाम, ये भी याद रख लीजिएगा फुल फॉर्म.
मतलब प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, तो IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। अगर केवल इतनी सी बात भी समझ में आ जाती कि सर ये तो हो ही नहीं सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी विद्यार्थी को इसका आंसर देने में कोई दिक्कत आएगी। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस IUCN, और IUCN यूनाइटेड नेशन का कहीं से कहां तक कोई हिस्सा नहीं है। UN के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। आप केवल पहली वाली बात को हटा देते तो आप उत्तर तक आ जाते। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या लिखा गया है, लेकिन अगर उत्तर मिल गया है तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्योंकि साइट्स भी पढ़ना है हमें, देखेंगे कि क्या क्या बातचीत उसमें हो सकती है। अब आते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वास्तविक रूप में IUCN जब भी दिमाग में आए तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF भी आना चाहिए। क्यों? ये लगभग जुड़वा माने जाते हैं, इनका वर्क फील्ड लगभग एक जैसा ही है और ये एक दूसरे को सहयोग करते, एक दूसरे की काफी ज्यादा कोऑपरेटिव माने जाते हैं। तो WWF तीसरे संगठन पर आ रहे हैं। 1961, मेरे साथ चीजें याद करते चलनी है। 1961 ग्लेन स्विट्जरलैंड में ही मुख्यालय है जहां IUCN का है, NGO है, IUCN का ही सहायक संगठन है और वन्य जीवों के संरक्षण और पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना। WWF was established in 1961 by a group of passionate and committed individual who sought to secure the funding necessary to protect places and species that were threatened by human development। मतलब यह उन लोगों के द्वारा बनाया गया है जो पैसों को जमा कर सकते थे उन प्रजातियों के संरक्षण के लिए, उन जीवों के संरक्षण के लिए जो मनुष्य के विकास के कारण खतरे में आ गए हैं। तो WWF कितनी जगह पर काम करता है? तो 6 सेक्टर पर यह काम करता है। फूड भोजन, क्लाइमेट फ्रेश वाटर, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट और ओशियन। WWF भले ही लिख दिया जाता है लेकिन भोजन, जलवायु, स्वच्छ जल, वन्य जीव, वन और समुद्र, इन सभी पर इनका वर्क होता है, इन सभी पर इनका वर्क होता है। तो जरा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो 1873 जो कि 23 मार्च 1950 को WMO बन गया। 193 मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत हैं। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व के सभी देशों के मौसम पर इसकी निगाह होती है। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। फिर आगे बढ़ते हैं, 1922 का बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन भी है प्रकृति संरक्षण का। 1933 में इसका नया नाम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल रखा गया, नहीं तो पहले ये कमिटी थी। कैम्ब्रिज इसका मुख्यालय है, एक तरीके का NGO है लेकिन कई कंट्रीज इसमें आती है। 1948 विश्व के कई देशों की सरकारें भी इसका हिस्सा है लेकिन है तो एक NGO। IUCN का मुख्यालय ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। 4 क्षेत्रों में यह काम करता है, 4 सेक्टर में यह काम करता है। यह ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है, पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है यूनाइटेड नेशन में, लेकिन उसका मेंबर नहीं है, उसका सदस्य या उसके अंडर में नहीं है। और 1948 वाला यह संगठन 1963 से हर चौथे वर्ष रेड डाटा बुक को पब्लिश करता है।
इसी का सहयोगी संगठन है 1961 में बना हुआ, 1961 में बना था WWF। यह भी एक एनजीओ है और यह 6 सेक्टर पर काम करता है। ग्लेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और यह IUCN के साथ मिलकर संरक्षण में योगदान देता है। वैसे IUCN पेरिस क्लाइमेट में भी बड़ा रोल निभा रहा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए भी इसकी बड़ी भूमिका है। तो चीजें मेरे साथ याद करते चलिएगा, ठीक है, पढ़ते रहेंगे बाद में, साथ साथ याद करते चलना, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं और पढ़ा चुका हूं मैं। तो क्या एक बार कमेंट्स करते चलिएगा, अब इतनी बातें आपको याद हो चुकी हैं कि हाँ हमें इतना पता हो चुका है। फूड, क्लाइमेट, फ्रेश वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और ओशियन, इन 6 जगह पर WWF काम करता है। ये वर्ल्ड वॉच नामक एक मासिक त्रैमासिक पत्रिका भी पब्लिश करता है। वर्ल्ड वॉच, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, वर्ल्ड वॉच नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है। तो याद रखिएगा, फॉर नेचर, फॉर पीपल, फॉर एवर, इसका जो मेन नाम दिया गया है। अब आते हैं 1971 ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ था। एक सम्मेलन था, ये संगठन नहीं है, एक सम्मेलन है, और इसी के अंतर्गत विश्व के देशों की सरकारों ने अपने यहाँ के आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की कस्में खाई। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाने लगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाने लगा, क्योंकि 2 फरवरी को यह सम्मेलन हुआ था। इसमें एक विशेष प्रकार की रामसर साइट की बातचीत शुरू हुई कि भाई हर एक देश में आर्द्र भूमियों की एक लिस्ट बनाई जाएगी और यह रामसर साइट नाम पर जानी जाएगी। भारत में ऐसी रामसर साइट अब 49 हुई है, लेटेस्ट में गुजरात और यूपी में एक एक साइट और जोड़ी गई है। रामसर साइट में 1974 में यह विश्व के द्वारा एडाप्ट की गई, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो रामसर साइट आर्द्र भूमियों को कई नामों से जानते हैं। इसे बायोडायवर्सिटी का सुपरमार्केट भी कहा जाता है, इन्हें किडनी कहा जाता है, क्योंकि यह पानी के शुद्धिकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो लगभग कई सारी बातें हम इसमें ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये अंतर सरकारी, देशों के द्वारा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं NGO कहूँ तो नागरिकों ने प्राइवेटली बनाया है, और मैं IGO कहूँ, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहूँ, तो आप समझ जाए कि यह हमारे जो विश्व है उसके सरकारों ने बनाया होगा। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक गवर्नमेंटल संधि है 1971 ईरान के रामसर शहर में, 1975 से लागू है, 1975 से लागू की गई है। और विशेष पारिस्थिति की तंत्र पर, मतलब किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम पर काम करने वाली दुनिया की पहली संधि है। 2 फरवरी से इसको विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। हर 3 वर्ष में इसका एक सम्मेलन होता है जिन्हें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, पर यह सम्मेलन जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगा तो इसका मुद्दा आर्द्र भूमि रहेगा। भारत ने 1982 में इस संधि को अपनाया, 1982 में इस संधि को साइन किए। भारत में 49 है, सबसे छोटा वेटलैंड रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश का है, सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड, और सबसे बड़ा सुंदरवन है जो पश्चिम बंगाल में है। पर सुंदरवन केवल वेटलैंड नहीं है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वो यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में भी है, और वो रामसर वेटलैंड साइट भी है। इंडिया के बारे में इनकी वेबसाइट पर यदि आप जाएंगे तो 1 फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग उन्होंने अपडेट करके लिखा हुआ है कि अब इंडिया के पास करंटली 49 साइट्स हैं जो कि वेटलैंड के रूप में हैं, और भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस वेटलैंड वाले जो इंटर गवर्नमेंटल एक संधि थी उस पर भारत ने साइन किया था। गुजरात में खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को
अब इसमें जोड़ दिया गया है तो 49 हो चुके हैं। हो सकता है कि जब आप एग्जाम दे तब तक एक हाथ और भी बढ़ जाए, लेकिन अभी 49 है। यहां एक और चीज, इसका 1971 में निर्माण हुआ था, 1971 में निर्माण हुआ था, तो ऑब्वियसली 2021 में इसके 50 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। फिर इसी में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है, मॉन्ट्रियो नहीं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है, जो ऐसी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि की बात करता है जहां पर परिवर्तन हो रहा होगा या फिर परिवर्तन होने की संभावना है मानवीय हस्तक्षेप के कारण। ये एक तरीके से चिंता वाली आर्द्र भूमियां हैं कि इनका संरक्षण ज्यादा किया जाए, नहीं तो यह विलुप्त तो होने की कगार पर पहुंच सकती है। भारत का जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो उन आर्द्र भूमि के स्थलों को सूची को शामिल करते हैं जो वेटलैंड, जिसमें तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा मानवीय हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन हो रहा होगा। भारत का केवला देव राजस्थान वाला अभी भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, और लोकतक झील जो मणिपुर की नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी, नॉर्थ ईस्ट की उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील है, पूरे भारत की नहीं, नॉर्थ ईस्ट की कह रहा हूं मैं। तो याद रखिएगा, चिल्का झील पहले थी, अब वो सुरक्षित मान ली गई है। तो रामसर पर एक बार याद कर लेते हैं चीजें। यह सम्मेलन था 1971 में आर्द्र भूमि पर, 49 भारत में इस समय रामसर साइट्स है, गुजरात और यूपी की एक एक अभी जोड़ी गई हैं। 1975 से अडाप्ट किया गया है, हर तीन साल में इनकी बैठकें होती हैं। 1982 में भारत के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, न कि एनजीओ हैं, देशों की सरकारों के द्वारा बनाया गया है। 2 फरवरी से विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। सबसे छोटा भारत का रेणुका वेटलैंड है, सबसे बड़ा सुंदरवन है, लेकिन सुंदरवन वर्ल्ड हेरिटेज साइट और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। यदि हम बात करें तो गुजरात में खिजाड़िया और उत्तर प्रदेश में बखीरा, इन दोनों को शामिल किया है। अभी इसने अपने 50 वर्ष कंप्लीट होने पर 2021 में एक तरीके से सेलिब्रेट किया था। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक तरीके से ज्यादा तकनीकी दृष्टिकोण से प्रदूषित हो रही होगी या मानवीय हस्तक्षेप के कारण बदल रही होगी। लोकतक झील और केवला देव को इसके अंतर्गत रखा गया है। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इसका क्या अभिप्राय है? मॉन्ट्रियो शब्द यूज किया है यूपीएससी ने, मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंतर्गत, तेजी से आंसर दीजिएगा। मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया, हो रहा या होना संभावित है। जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उस आर्द्र भूमि के कोण से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करना, आर्द्र भूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं परंपराओं पर निर्भर है और इसलिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। अगर उत्तर ना पता हो ना तो यूपीएससी में चारों ऑप्शन ऐसे लगते हैं ना कि सब कुछ सही बताया जा रहा है, चारों ही ऑप्शन, और यूपीएससी को यही चीज कठिन बना देती है कि अगर उत्तर पता है तो ऐसा लगेगा कि कितना घटिया सवाल है। उत्तर पता है ना तो लगेगा कितना घटिया सवाल है, लेकिन जिसको उत्तर नहीं पता है उसके लिए चारों ऑप्शन में बिल्कुल भेजाबू हो जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि किस ओर ज्यादा आकर्षण हो, किस ओर जुड़ना चाहिए। तो यूपीएससी की यही खूबसूरती है जो उसको सही और टिपिकल बनाती है। अगला संगठन 1971 का ही है, तो याद रखिएगा सम्मेलन जो आर्द्र भूमि पर, सम्मेलन संगठन सब लाइन से ले रहे हैं हम लोग ईयर वाइज। अब हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो है ग्रीन पीस। ये जो ग्रीन पीस है यह एक संगठन है, संगठन है ग्रीन पीस। 1971 में, यह भी 1971 में स्थापित हुआ है, एक एनजीओ है ये, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड नहीं, नीदरलैंड के एमस्टर्डम में है, नीदरलैंड के एमस्टर्डम में है। उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण
और विकास को प्रोत्साहित करना, इसका सिंबल भी आप लोग देख सकते हैं, हु वी आर उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। ग्रीन पीस एग्जिस्ट बिकॉज दिस फ्रेजाइल अर्थ डिजर्व ए वॉइस, इट नीड्स सॉल्यूशंस, इट नीड्स चेंज, इट नीड्स एक्शन। ग्रीन पीस कहता है कि मैं हूं क्योंकि यह जो भंगुर पृथ्वी है उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला होना चाहिए, उसके लिए कोई समाधान देने वाला होना चाहिए, कोई परिवर्तन की बात करने वाला होना चाहिए और कोई एक्शन लेने वाले होना चाहिए, इसलिए हम हैं ग्रीन पीस। ये बिल्कुल वैसे ही लोग हैं, मान के चलिएगा कि जैसे हमारे देश में कई सारे धर्म के ठेकेदार भी आ जाते हैं, ये पर्यावरण के, लेकिन इनका उद्देश्य सही है, ये पृथ्वी को बचाने की बात करते हैं, ये जीव जंतुओं को बचाने की बात करते हैं। वी बिलीव ऑप्टिमिज्म इज ए फॉर्म ऑफ करेज, वी बिलीव दैट ए बिलियन एक्ट ऑफ करेज कैन स्पार्क ए ब्राइटर टुमारो, टू दैट एंड वी मॉडल करेज, वी चैंपियन करेज, वी शेयर स्टोरीज ऑफ करेजस एक्ट बाय अवर सपोर्टर एंड एलाइज, वी इनवाइटेड पीपल आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन टू टेक करेजस एक्शन विथ अस इंडिविजुअली इन द इन देयर डेली लाइफ्स एंड इन कम्युनिटी विथ अदर हु शेयर अवर कमिटमेंट टू ए बेटर वर्ल्ड, ए ग्रीन एंड पीसफुल फ्यूचर इज अवर क्वेस्ट, द हीरोज ऑफ अवर स्टोरी आर all of us who believe that better world is not only within reach but being built today। मतलब एक तरीके से शांति और पर्यावरण इस पर मुख्य रूप से काम करता है, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, प्रदूषण को कम करना, न्यूक्लियर थ्रेट को खत्म करना, मतलब एक तरीके से परमाणु युद्ध को खत्म करना, प्रमोट पीस एंड नॉन वायोलेंस, शांति और अहिंसा के लिए ये काम करता है। तो बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने में, प्रदूषण को न्यूनतम करने में, शांति और अहिंसा के लिए और न्यूक्लियर थ्रेट को कम करने के लिए यह काम करता है। तो 1971 ग्रीन पीस और नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है एमस्टरडम में, यह मुख्य रूप से जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ शांति अहिंसा के अलावा युद्ध की सभी परिस्थितियों को नकारने की कोशिश करता है, प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन पर, लेकिन उससे पहले 1873 जिसे 1950 में WMO कहा, आप थोड़ा सा देखते चलिएगा, फिर 1922 का, फिर 1948 का, फिर 1948 के बाद 1961 में, 1971, फिर 1971, ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये है इंटरनेशनल बर्ड या बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये है IUCN, ये है WWF, 1971 रामसर कन्वेंशन, और एक संगठन है ग्रीन पीस, ये NGO हैं, ये NGO हैं, ये NGO हैं, ये IGO हैं, ये NGO हैं, ये IGO हैं। तो अभी दो गवर्नमेंटल बॉडीज पर हमने बातचीत की है और बाकी एनजीओज पर बातचीत हुई है। आप पूरी चीजें फिर से याद करते चलिए और मेरे कुछ सवालों के जवाब देते चलिएगा, मैं देखूं कितने लोगों को बातें याद होती चली जा रही है। याद करते हुए चलना है क्योंकि बहुत पढ़ लिया हमने और बहुत बार कंफ्यूज भी होते चलते हैं, तो मेरे साथ याद करते चलिएगा, मुझे बताते चलिएगा तेजी से। एक त्रैमासिक वर्ल्ड वॉच मासिक पत्रिका कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड वॉच, तेजी से, वर्ल्ड वॉच मासिक पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? कमेंट्स करते चलिएगा। आंसर देते चलिए तेजी से, वर्ल्ड वॉच। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये त्रैमासिक छापता है।
रेड डाटा बुक का पब्लिकेशन कौन करता है? रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? रेड डाटा बुक 1963 से IUCN, IUCN 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने अपने 50 वर्ष मनाए? 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने अपने 50 वर्ष सेलिब्रेट किए, 50 वर्ष सेलिब्रेट किए? फिर रामसर में भारत कब शामिल हुआ था? रामसर में भारत कब शामिल हुआ और भारत की कुल कितनी रामसर साइट है? रामसर में भारत कब शामिल हुआ और भारत की कुल कितनी रामसर साइट है? चीजों को याद करते चलना है। संगठन, सम्मेलन, ईयर वाइज सीक्वेंस के रूप में आगे बढ़ रहे। अभी हम 1972 पर आ गए हैं। 1972 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष माना जाएगा, क्योंकि पहली बार पर्यावरण के शब्द पर, पर्यावरण के विषय पर विश्व के देश एक साथ खड़े हुए थे। 1972 5 जून को होने वाला यह सम्मेलन एक नए विश्व की कल्पना के साथ उभरा था। इसमें पहली बार इन्वायरमेंट शब्द आए थे, पहली बार पर्यावरण के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों की जगह पर सरकारों ने कदम उठाने शुरू किए थे। आप देख सकते हैं कि अभी तक किसी भी इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो पर्यावरण के लिए जुड़ा हो। तो स्टॉकहोम सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। यह 5 जून को होने वाला सम्मेलन था और इसीलिए 5 जून 1972 को सम्मेलन होने के बाद प्रतिवर्ष हम 5 जून को सेलिब्रेट करने लग गए विश्व पर्यावरण दिवस। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे हमने 5 जून को सेलिब्रेट करना शुरू किया। महोदय, विश्व के सभी देश जब यहां आए ना, तो यूनाइटेड नेशन को कहा गया कि आप अब शांति शांति के लिए काम मत करिए, दूसरे भी काम देखिए। और यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक पर्यावरण के लिए अलग से संगठन बनाया गया, यूएनईपी। यूएनईपी की स्थापना हुई थी सम्मेलन के कारण। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र को पर्यावरण कार्यक्रम के लिए जिम्मेदारी दी गई और एक ऑफिशियल संगठन बना यूएनईपी। यूएनईपी एक ऑफिशियल संगठन का निर्माण हुआ था, ऑफिशियल संगठन का। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, यूएनईपी 1972 के सम्मेलन की उपज है। तो 5 जून 1972 को कहां पर? स्टॉकहोम स्वीडन में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। पहली बार पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों को आमंत्रित किया था और यहां वादा किया था कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से जुड़े हुए काम करेंगे। और इसीलिए हर 10 साल में फिर बैठकें भी हुई। सतत विकास और मानव पर्यावरण पर हर 10 साल में बैठकें भी होती चली गई। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 5-16 जून 1972 स्टॉकहोम। यह बिल्डिंग है स्टॉकहोम स्वीडन की, जहां पर इस सम्मेलन को आयोजित किया गया और काफी ज्यादा इसने विश्व में एक अमिट छाप बनाई। फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे हम इसको। विश्व का पहला पर्यावरण पर होने वाला सम्मेलन था ये।
पहला पर्यावरण पर होने वाला सम्मेलन था ये 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट इन स्टॉकहोम वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस टू मेक द एनवायरमेंट एज ए मेजर इशू द पार्टिसिपेंट एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ प्रिंसिपल फॉर साउंड मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एक्शन प्लान फॉर द ह्यूमन एनवायरमेंट एंड सेवरल रिजोल्यूशन द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन विच कंटेन 26 प्रिंसिपल लिखना नहीं है सुन लीजिए बस प्लेस इन्वायरमेंटल इशू एज द फोर फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न मतलब सबसे महत्वपूर्ण और अग्रणी मुद्दों में शामिल किया गया एंड मार्क द स्टार्ट ऑफ डायलॉग बिटवीन इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द लिंक बिटवीन इकोनॉमिकल ग्रोथ द पॉल्यूशन ऑफ द एयर वाटर ओशियन एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड द एक्शन प्लान कंटेन थ्री मेन कैटेगरीज ग्लोबल इन्वायरमेंट असेसमेंट प्रोग्राम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज इंटरनेशनल मेजर टू सपोर्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज कैरी आउट एट द इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल इन एडिशन दिस कैटेगरी वर ब्रोकन डाउन इन टू 109 रिकमेंडेशन One of the major result of the Stockholm Conference was the creation of United Nations Environmental Program UNEP. 1972 पहली बार विश्व में पर्यावरण के मुद्दे पर एक संस्था का निर्माण हुआ था पर्यावरण के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन ने जिम्मेदारी ली थी तो यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है मुख्यालय नैरोबी केनिया के नैरोबी अफ्रीका में है ये संगठन अफ्रीका में यूएनईपी अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को कंट्रोल करना अथोराइटिव एडवोकेट फॉर द ग्लोबल इन्वायरमेंट मतलब पूरे विश्व में कहीं पर भी पर्यावरण से जुड़े हुए मसले पर यूनाइटेड नेशन को बातचीत करनी है तो इसके थ्रू ही बातचीत होगी WMO और UNEP ये भी यूनाइटेड नेशन का ही संगठन है तो WMO जो कि 23 मार्च 1950 को बनाया गया था और UNEP जो कि 5 जून 1972 के सम्मेलन से विकसित हुआ था इन दोनों के वैज्ञानिक एक टीम बनाते हैं जिसको पैनल कहते पैनल जैसे इंटरव्यू पैनल होता है ना वैसे क्लाइमेट चेंज के लिए एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल पैनल होता है IPCC वैज्ञानिकों का पैनल जो जलवायु परिवर्तन के आंकड़े जलवायु परिवर्तन के परिणाम और जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए उस पर रिपोर्ट जारी करता है तो इन्हीं दोनों के वैज्ञानिकों से मिलकर 1988 में IPCC जैसी एक संस्था बनाई गई एक पैनल बनाया गया एक समूह बनाया गया जो कि विश्व में जलवायु परिवर्तन पर काम करता है About UN Environmental Program, since the inception in 1972, the United Nations Environmental Program has been the global authority that set the environmental agenda, promote the coherent implantation of the environmental dimension of sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लगातार और ये अथॉरिटिव एडवोकेट हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट का कितने मेंबर है इसमें तो नैरोबी केनिया में मुख्यालय हैं 193 मेंबर है इसके 193 मेंबर WMO के भी 193 मेंबर हैं 10-10 वर्ष के सम्मेलन लेता है ये 10-10 वर्ष के 1972 स्टॉकहोम में हुआ था फिर 1982 नैरोबी केनिया में हुआ था ये भले ही किसी को याद ना आता हो 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील पृथ्वी सम्मेलन 1 के नाम से जानते इसको ये 10-10 वर्षों के जो सम्मेलन होते हैं ना फिर 2002 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए थे ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2012 वापिस रियो डी जेनेरियो ब्राजील में इसे पृथ्वी सम्मेलन 2 के नाम से भी जाना जाता है महोदय तो कितने लोग आज पूरी कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं जरा कमेंट्स करिएगा
कितने लोग कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं, क्या उन्हें पता चला कि ये जो 1972, 82, 92, 2002, 2012 ये पृथ्वी के सम्मेलन हैं, 2022 में भी अब हैं, 2022 में भी होगा यूएनईपी का 10 वर्षीय सम्मेलन, यूएनईपी का 10 वर्षीय सम्मेलन इस बार भी होगा, इसलिए पूछा जा सकता है भाई। कई सारे लोग जब सेपरेट सेपरेट पढ़ते थे तो कनेक्टिविटी नहीं बनती होगी, लेकिन अब कहानी बन रही होगी कि हाँ ये अब पता चला कि ये 10-10 वर्षों के सम्मेलन हैं। स्टॉकहोम स्वीडन में, फिर नैरोबी, फिर रियो डी जेनेरो, फिर जोहान्सबर्ग, फिर रियो डी जेनेरो में, और ये दोनों पृथ्वी सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया इस दूसरे ने, इसने एजेंडा 21 दिया था, एजेंडा 21, लेकिन इसने तो बहुत कुछ बातें भी और निकाली थी, तो अद्भुत सा समय है। अब 2022 में पर्यावरण पर तो और भी बड़ी बातें होनी चाहिए, लेकिन इस समय शांत माहौल है क्योंकि कोरोना की महामारी, अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर स्थिति में है। कौन सा देश पहले भोजन की पूर्ति की जगह पर्यावरण पर बातचीत करेगा? देश हो या मनुष्य हो, पर्यावरण पर तभी बातचीत होती है जब वो अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में पूर्ण रूप से सुरक्षा महसूस कर लेता है। वो जानता है कि उसने इतना पैसा कमा लिया है कि अब वो पर्यावरण पर मुद्दे उठा सकता है। इसलिए इस समय 2022 में बैठक तो होगी, लेकिन आप देखना साधारण रूप से 3 बातें वो बोलेंगे। क्लाइमेट चेंज पर सर देशों ने एकजुट होकर कदम उठाने चाहिए। बकवास करते ही रहते हो कॉमन, मतलब मुझसे पूछ लिया करो कि सर कल वो जब मीटिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे, मैं बता सकता हूं। दूसरा मुद्दा, कोरोना की महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को गतिशीलता में पर्यावरण को इग्नोर ना किया जाए, बोलेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। और जो तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा होगा, इंटरनेशनल सहयोग को मजबूत किया जाए ताकि हम पर्यावरण से जुड़े हुए पहलुओं को और मजबूती के साथ हल कर सके। बातें करने के लिए कह दो इनको। तो ये 10-10 वर्षों के जो सम्मेलन हैं, ये 10-10 वर्षों के सम्मेलनों पर गौर करिएगा, और इसकी रिपोर्ट, ये कौन कौन सी रिपोर्टें पब्लिश करता है यूएनईपी, यूएनईपी उत्सर्जन गैप रिपोर्ट। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट क्या है कि कितना एमिशन होना चाहिए था और कितना हो रहा है, या कितना कम करने का वादा किया था और कितना कम किया है, तो कितना गैप है, मतलब वादा कितना किया था, मतलब सोचा था कि भाई मैं तो इसी बार आईएएस बन जाऊंगा, वादा किया था कि इस बार तो मैं पूरी ताकत से ये सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, लेकिन अभी कितना हुआ है, तो कितना गैप है, मतलब वास्तविक रूप में प्रॉमिस और रियलिटी के बीच के गैप को बताता है। इसके अलावा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, जैसे कि हमारे देश में इकोनॉमिक सर्वे आता है, IMF का इकोनॉमिक आउटलुक आता है, वैसे ये पर्यावरण का आउटलुक भी प्रकाशित करता है। इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लानेट, ये रिपोर्ट भी जारी करता है। मेकिंग पीस विद द नेचर, इस रिपोर्ट को छापता है, और एक पुरस्कार देता है ये ग्लोबल 500 पुरस्कार। ग्लोबल 500 पुरस्कार उन लोगों के लिए जो पर्यावरण पर काम करते हैं। तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लानेट, मेकिंग पीस विद द नेचर, ये 4 रिपोर्टें हैं वर्ल्ड EGR, W इन्वायरमेंटल आउटलुक, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लानेट और मेकिंग पीस विद नेचर। देख लीजिएगा, लेकिन याद होना चाहिए भाई ये पूछे जाते हैं एज इट इज। इसके अलावा यह ग्लोबल 500 के अलावा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी देता है। यंग चैंपियन, छोटे बच्चों को भी प्रमोट करता है, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ और यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के नाम से भी यह पुरस्कार देता है। तो जरा एक नजर फिर डाल देते हैं, जो हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को, विश्व का पहला पर्यावरणीय सम्मेलन, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इसका नाम था, मानव पर्यावरण पर।
5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस यहां से मनाने लगे। कहां हुआ था? स्वीडन, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में एक और सम्मेलन आएगा 2023 में, उसे भी याद रखना। वो ऑर्गेनिक परसिस्टेंट सब्सटेंस पर है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो उसको भी याद रखेंगे हम लोग। यूएनईपी की स्थापना, यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना नैरोबी केन्या में की गई इस सम्मेलन के बाद, और उसके बाद फिर 10-10 वर्षों के सम्मेलन होने लगे। और याद रखिएगा कि WMO ये भी यूएन के अंतर्गत है, यूएनईपी भी यूएन के अंतर्गत हैं। दोनों के वैज्ञानिकों से एक पैनल बनता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि क्लाइमेट चेंज पर वैज्ञानिकों की, सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की रिपोर्ट होती है। 193 इसके मेंबर है वर्तमान में, और 10-10 वर्षों के यह सम्मेलन लेता है। जो दो सम्मेलन है 1992 और 2012 काफी फेमस है, 2022 में भी सम्मेलन होगा। यह 4 रिपोर्ट जारी करता है, एमिशन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लानेट, मेकिंग पीस विद द नेचर, ग्लोबल 500 पुरस्कार के अलावा चैंपियन ऑफ द अर्थ और यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का भी पुरस्कार देता है। तो 1972 तक हम चीजें पहुंचा चुके हैं, अब आते हैं 1972 के बाद अब क्या होगा। अचानक 1972 के बाद पूरा विश्व जाग गया है, क्योंकि अब पूरे विश्व के देशों की सरकारें काम करेगी। तो हमारे देश में 1972 का ये सम्मेलन होने के बाद 1972 में ही हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित करवाया। 1973 में टाइगर कंजर्वेशन पर आ गए हम लोग, बाघ के संरक्षण के कार्यक्रम लेकर आ गए। तो पूरे विश्व में अब आपको वैश्विक पर्यावरण के लिए कदम उठाते हुए मिलेंगे। यदि आप पूरे विश्व के कार्यक्रमों को देखेंगे तो 1972 के बाद एक रफ्तार सी आ जाएगी पर्यावरण के संरक्षण कार्यक्रमों में। उसका सबसे बड़ा कारण था 1972 का ये स्टॉकहोम सम्मेलन। फिर आते हैं साइट्स, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना मतलब होता है जंतु समुदाय, और फ्लोरा मतलब, फ्लोरा से याद रहेगा, पादप समुदाय, क्योंकि फूल पौधों में लगते हैं तो पादप समुदाय। तो साइट्स ये क्या है भाई? ये आयुसीएन ने ही विश्व के लोगों को आकर्षित किया, विश्व की सरकारों को आकर्षित किया। 1973 में वाशिंगटन अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में आयुसीएन ने लोगों से रिक्वेस्ट की, सरकारों से रिक्वेस्ट की कि आप व्यापार करिए जीवों का, लेकिन उस व्यापार में जीवों की प्रजातियां संकट में ना आ जाए। जैसे हाथी दांत का व्यापार फिर रोक दीजिए, जिसके कारण हाथियों की पॉपुलेशन कम हो रही थी, जो टाइगर के जो भी अवशेष होते हैं उसको बेचा जाता था। तो उन व्यापारों पर देश की सरकारों को प्रतिबंध लगाने का दबाव डाला गया, जिसके कारण वन्य जीव खतरे में आ जाते हैं। 1975 से लागू, भारत ने भी 1976 में साइन कर लिए, मतलब भारत ने भी वादा कर लिया कि हम अपने देश में ऐसे व्यापार पर प्रतिबंध लगा देंगे जो वन्य जीवों के लिए खतरे हैं। अभी तक 183 देशों ने इस सम्मेलन के अंतर्गत वादों पर साइन कर लिया है, यह सुनिश्चित करना कि जंगली जानवर और पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व पर कोई खतरा न पड़े। साइट्स, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा इज ए इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट। इट्स एम इज टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। मतलब ये एक तरीके से विश्व के देशों को कहता है कि भाई आप लोग अपने देश में ऐसा व्यापार नहीं अनुमति देंगे जिससे कि वन्य जीव पौधे और वो जीवों पर, वन्य जीवों के पौधों पर भी बात कर रहे हैं, ये खतरा नहीं आना चाहिए। द ओरिजिनल कन्वेंशन वॉज एडॉप्टेड विद द डिपोजिटरी गवर्नमेंट इन इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश लैंग्वेज, ईच वर्जन बींग इक्वली ऑथेंटिक। द कन्वेंशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन चाइनीज एंड रशियंस, बट हिंदी में अभी तक प्रकाशित नहीं किया इन्होंने।
इस सम्मेलन के कन्वेंशन को। तो साइट्स की जरूरत क्या है, एक तरीके से वन्य जीवों को संरक्षित करना, व्यापार जरूर हो लेकिन उसके कारण वन्य जीवों को कोई खतरा ना आए। तो वही IUCN के अंतर्गत ही साइट्स के बारे में बातचीत, याद रखिएगा। तो ये वही सवाल है जो अभी हमने किया था, साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकार है जो इसमें शामिल हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता। मतलब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय कानून भी यही है, हर एक इंटरनेशनल और नेशनल कानून अलग अलग होंगे। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। साइट सरकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय करार हैं, लेकिन IUCN UN का अंग नहीं था, इसलिए यह गलत हो गया था। तो साइट्स IUCN की ही देन है। 1973 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ IUCN का, जिसने विश्व की सरकारों को आमंत्रित करते हुए कहा कि आप अपने देश में उन व्यापार पर प्रतिबंध लगाएंगे जो वन्य जीवों के लिए या पौधों के अस्तित्व के लिए खतरा होगा। भारत ने भी 1976 में इसको लागू कर लिया अपने देश में, पर हमारे देश में और भी कानून है, जैसे 1972 का वाइल्ड लाइफ एक्ट है। तो याद रखिएगा कि साइट्स IUCN के द्वारा ही लाया गया है। तो IUCN के द्वारा, अब जरा ध्यान से सुनना, वैसा एक और संगठन है ट्रैफिक, एक और संगठन है। जब बात साइट्स की कर रहे हैं तो ट्रैफिक की भी कर लीजिए। ट्रैफिक, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग प्लीज, ट्रैफिक इज ए ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन कॉमर्स, मतलब वाणिज्य में एक तरीके से रिकॉर्ड रखना वन्य जीव व जंतु समुदाय और पादप समुदाय का। वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क के द्वारा 1976 में एक एनजीओ है, ये भी एनजीओ है, मुख्यालय कैम्ब्रिज में, WWF IUCN वर्क क्लोजली ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड इश्यूज। तो एक्चुअल में ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या है भाई, ये जो साइट्स है ना, साइट, साइट एक वादा है, पत्र है, पत्र है, और उस वादे के अनुसार ट्रैफिक एक तरीके की वेबसाइट समझ लो, जिसमें पूरी जानकारी दी हुई है कि कौन से व्यापार से कौन से जीव खतरे में आ सकते हैं, कौन से देश में कौन से जीव रिस्क में हैं, कौन से देशों को कहां एक्शन लेना चाहिए। तो थोड़ा सा याद रखना, ट्रैफिक, ट्रैफिक साइट्स का ही एक तरीके से डाटा वाली बातचीत है, जानकारी वाली बातचीत है। तो जरा ध्यान देना, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस है ये, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस है ये, साइट से ही बनाया गया है, और वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क के अंतर्गत इसको पूरी तरह से जारी किया जाता है, पूरी तरह से जारी किया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले, फिर आगे बढ़ने से पहले रिविजन पर आते हैं। 1873, 23 मार्च, देखता है कितने लोगों को चीजें याद हैं। फिर 1922, फिर 19, पूरा रिवीजन करा रहा हूं, पूरा रिवीजन, देखते हैं कहां तक पहुंचे आप लोग। 1971, 1972, 1972, फिर 1973, 1976, ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत है पूरी तरह से। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी सेलिब्रेट करते हैं ये, और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारों के द्वारा मिलकर बनाया गया है, 193 इसके मेंबर हैं। फिर 1922 एनजीओ है, विश्व का सबसे पुराना सबसे बड़ा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बहुत सारे देशों में इनके प्रतिनिधि हैं, और यह वर्ल्ड वॉच नाम से त्रैमासिक मैगजीन छापते हैं। पक्षियों के संरक्षण के लिए इनका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है 1922। फिर 1948 IUCN एक एनजीओ है,
जिसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय अगर हम देखेंगे तो इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा में है। आयुसीएन एनजीओ है, ग्लेंड स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, यूएन में केवल ऑब्जर्वर का दर्जा है, सदस्य नहीं है यूएन का ये। इसका चार क्षेत्रों में काम है मुख्य रूप से। हर चौथे वर्ष 1963 से रेड डाटा बुक पब्लिश करता है। उसकी सहयोगी संस्था है WWF, यह भी एक एनजीओ है, ग्लेन में ही मुख्यालय है और यह छह क्षेत्र में कार्य करता है, सिक्स सेक्टर में। और WWF और IUCN मिलकर एक साथ काम करते हैं कई जगह पर। 1971 रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था, आर्द्र भूमि पर। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाने लगा, तब से 49 रामसर साइट है भारत में। गुजरात और यूपी की 2 नई साइट जोड़ी गई हैं। अब भारत ने 1982 में इसको एडाप्ट किया था, 1975 से विश्व में हर 3 वर्षों में इनकी भी मीटिंगें होती हैं रामसर साइट की। इसी में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड भी है और विश्व की पहली इंटरनेशनल ट्रीटी कहे या वर्ल्ड ट्रीटी कहे जो एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम पर है। 2021 में इन्होंने अपने 50 वर्ष सेलिब्रेट किए हैं। फिर 1971 में ही रामसर सम्मेलन के बाद एक संस्था हमने पढ़ी, एनजीओ पढ़ा, ग्रीन पीस, शांति के लिए और पर्यावरण के लिए एक साथ काम करने वाला संगठन है ग्रीन पीस। जरा मुख्यालय बताइएगा, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहां पर है? बिल्कुल नीदरलैंड, एमस्टर्डम। फिर 1972 विश्व का पहला सम्मेलन, 5 जून 1972, तब से विश्व पर्यावरण दिवस। यूनाइटेड नेशन ने संस्था को, इस सम्मेलन को आयोजित किया, यूएनईपी की स्थापना हुई और 5 जून से ही सेलिब्रेट किया जाने लगा पूरे विश्व में पर्यावरण। फिर यूएनईपी पर आते हैं तो यूएनईपी कैरोबी केनिया नैरोबी सॉरी नैरोबी केनिया में इसका मुख्यालय, 193 मेंबर हैं। यूएनईपी और WMO के वैज्ञानिक मिलकर IPCC की रिपोर्ट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का निर्माण करते हैं। इन्हीं के वैज्ञानिकों से पैनल बनता है। यूएनईपी कई सारे रिपोर्ट पब्लिश करता है, 4 रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल 500 चैंपियन, यंग चैंपियन अवार्ड देता है। इसके अलावा यूएनईपी विश्व में यूनाइटेड नेशन की पर्यावरण पर काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। एमिशन गैप रिपोर्ट कहिए, पर्यावरणीय आउटलुक कहिए, ये सारा कुछ इसके द्वारा ही काम किया जाता है। और फिर 1976 में एक संस्था, एक सम्मेलन हुआ साइट्स, वास्तविक रूप में ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है। और इस एग्रीमेंट के पूरे डाटा किसके पास होते हैं? एक नेटवर्क है जिसका नाम है ट्रैफिक। तो याद रखिएगा, 73 में साइट्स हुआ और 76 में ट्रैफिक आने लगा साइट्स के अंतर्गत। साइट्स का काम है कि पर्यावरण, जो वन्य जीव और पौधे हैं, व्यापार के कारण वो खतरे में ना आ जाए। जरा एक नजर देख लीजिए, चीजें याद हुई है या नहीं, और एक बार कमेंट्स करते चलिएगा कि कितनी चीजें याद हो गई हैं। इससे रिलेटेड कानून निखिल सब हो जाएंगे, पहले इसको तो देख लो मेरे लाल, कानून एक्ट सब पढ़ाऊंगा। इसलिए तो मैंने इस बार रिवीजन में नया ट्रेंड अपनाया है कि उन चीजों को हम कवर कर रहे हैं इकोलॉजी एनवायरमेंट में जो गैर परंपरागत है और ये कमजोर कड़ी बन जाती है हम लोगों की। तेजी से कमेंट्स करते चलिएगा, क्या ये चीज अब आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है? याद भी हो रहा है साथ साथ, क्योंकि याद होना बहुत जरूरी है, याद होना बहुत ही जरूरी है।
पढ़ा तो बहुत बार होगा लेकिन याद होना बहुत जरूरी है। तो कहां तक पहुंच चुके हम लोग, अब 1976 तक पहुंच चुके हैं। 1976 तक की बातें पूरी तरह से क्लियर हैं, पता है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, क्योंकि ये कंफ्यूज करते थे जब हम कुछ भी पढ़ लेते थे। तो अब एक ईयर वाइज सिक्वेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे तो आप लोगों को भी याद होने में अब आसानी जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार से साइट्स तथा ट्रैफिक एक दूसरे के सहायक है, क्योंकि वन्य जीव का अवैध व्यापार उन्हें संकटग्रस्त सूची में पहुंचाने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। साइट्स एक एग्रीमेंट है, जबकि ट्रैफिक एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है, पर साइट्स के ही जो एग्रीमेंट है उसको ये देखता है। साइट सिर्फ अवैध व्यापार से संबंधित है, जबकि ट्रैफिक अवैध व्यापार के साथ साथ सतत विकास से भी जुड़ा हुआ है। वन्य जीव में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है, तो हम कहेंगे नहीं महोदय, ये यूएनईपी के अंतर्गत नहीं है। इसमें तो आयूसीएन ने रोल निभाया था, WWF ने रोल निभाया था, या फिर WWF की भूमिका थी इसमें। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादप और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति संरक्षण को खतरा ना हो। तो बिल्कुल दूसरी वाली बात गारंटेड सही है, लेकिन पहली वाली बात गलत है। अब शायद इन सवालों के जवाब आपको आसानी से मिल रहे होंगे। शेयर और लाइक करते चलिएंगे, बार बार बताएगा नहीं मास्टर, इस पर गौर करते चलिएगा। अब आते हैं 1979 आगे बढ़ रहे हैं। CMS कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड। विश्व में ऐसी कई पक्षियों की प्रजातियां हैं, विश्व में ऐसी कई पक्षियों की प्रजातियां हैं, कई जंगली जीव हैं जिनके लिए सीमाएं नहीं होती, उनके लिए इंटरनेशनल बॉर्डर का कोई महत्व नहीं होता है। तो कई बार कुछ गंदे लोगों की मानसिकता ऐसी भी हो सकती है कि उनके शत्रु देश से आने वाला कोई पक्षी होगा तो उसको मार डालते थे, यहां तक कि उनके संरक्षण पर कदम नहीं उठाते थे, क्योंकि वो मानते थे कि उस देश से आया है। भाई हमारी शत्रुता मनुष्य से हो सकती है, वन्य जीवों से भी शत्रुता, ये कैसी मूर्खता है। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन है, बॉन, नाम याद रखना, बॉन। बॉन दिमाग में आया कि माइग्रेटरी शब्द जुड़ना चाहिए, जो शब्द माइग्रेटरी, बॉन और माइग्रेटरी पर गौर करते चलिएगा। बॉन और माइग्रेटरी मतलब जो भी पलायन करने वालों के संरक्षण के लिए, तो प्रवासी जंगली प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन है ये, प्रवासी जंगली पक्षियों के प्रजातियों के संरक्षण पर, कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, यूएन के संरक्षण में। यूनाइटेड नेशन है इसमें पार्टिसिपेट करने वाला, जर्मनी के बॉन में एक संधि के तहत स्थापित हुआ है। CMS एक्ट एज ए फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन का ही एक तरीके से माइग्रेटरी स्पीशीज पर, माइग्रेटरी स्पीशीज पर इंटरनेशनल सम्मेलन है। CMS सभी प्रकार के प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक मंच है। यदि कोई देश इन माइग्रेटरी स्पीशीज के संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाता है तो इस मंच की सहायता से उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। उस मंच की सहायता से इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। इसका देखना चित्र, CMS दो चीजें याद रखना, माइग्रेटरी स्पीशीज तो याद रहेगा, बॉन जरूर याद रखना, जर्मनी का बॉन। कई बार पूछा गया सवाल है ये कि बॉन सम्मेलन किससे जुड़ा हुआ है। द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज आल्सो नोन एज द बॉन कन्वेंशन is an environmental treaty of the United Nations that provided a global platform for conservation and sustainable use of terrestrial, aquatic and avian migratory animal and their habitat। मतलब स्थलीय के साथ साथ
जलीय कई मछलियों का भी माइग्रेशन होता है, और पक्षी एवियन का मतलब पक्षियों से जुड़ी हुई बातचीत है, तो सभी प्रकार की माइग्रेटरी स्पीशीज पर यह संरक्षण के लिए कदम उठाता है। एज एन एनवायरमेंटल ट्रीटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन CMS प्रोवाइड ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ माइग्रेटरी स्पी एनिमल एंड देयर हैबिटेट। CMC ब्रिज टुगेदर द स्टेट थ्रू विच माइग्रेटरी एनिमल पास द रेंज स्टेट ले द लीगल फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट कंजर्वेशन मेजर थ्रू आउट ए माइग्रेटरी रेंज। मतलब कोई भी दो देश जहां से वो पक्षी आ रहा है, जहां पर वो जाता है, उनके बीच में भी सहयोग को बढ़ाने के लिए CMS वर्क करता है, और काफी अच्छी संधि है यूनाइटेड नेशन की। और अभी थोड़ा सा लेटेस्ट का देख लो, CMS सम्मेलन हुआ था 17 फरवरी से 22 फरवरी 2020 में, तब भारत में कोरोना उतना नहीं आया था, मार्च के बाद कोरोना के लॉकडाउन लगे थे। भारत में ये सम्मेलन हुआ था, माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लानेट एंड वी वर वेलकम देम, एक सम्मेलन जो काफी ज्यादा फेमस था COP 13 इंडिया में, क्योंकि इनकी भी मीटिंग ये होती है 3-3, 2-2 वर्षों में, फिक्स मीटिंग नहीं है इसकी। तो भारत में COP 13 हुआ था माइग्रेटरी स्पीशीज पर 15 से 22 फरवरी के बीच में, माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लानेट एंड टूगेदर वी वेलकम देम होम। मतलब ये स्पीशीज पूरे पृथ्वी को जोड़ते और इनका स्वागत करना चाहिए गांधीनगर, भारत के गांधीनगर मतलब गुजरात में गांधीनगर में हुआ था। तो 1979 का बॉन सम्मेलन, CMS सम्मेलन, तो 1979 तक की कहानी अब हमें याद हो चुकी है। 1979 तक के सम्मेलन सभी को याद है, संगठन और सम्मेलन। अब आते हैं वियना सम्मेलन। आप लोग जानते हैं वियना सम्मेलन ओजोन क्षरण, एक्चुअली 1981 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर पहली बार ओजोन होल के होने की बात कही, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने, तब बड़े तेजी से 1983 में वियना सम्मेलन हुआ था, 1985 में सॉरी। तो उसके बाद ये जो वियना सम्मेलन है इसी को आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बदला गया। तो आइए अब जरा और भी इंपॉर्टेंट चीजों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 1988 से विश्व में लागू है ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन है, ओजोन परत का संरक्षण CFC के प्रयोग में कमी, पर यह उस समय बाध्यकारी नहीं था। बस इतना याद रखना वियना के बारे में, इतना याद रखना वियना ऑस्ट्रिया, बस एक ही याद रखना, ओजोन क्षरण पर होने वाला पहला सम्मेलन है, ओजोन क्षरण पर होने वाला फर्स्ट सम्मेलन है, और यह 1988 में, और अब पूरे विश्व के लगभग सभी देशों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि बाध्यकारी है नहीं तो एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत आएगी। हाँ, लेकिन पहला सम्मेलन है ओजोन डिप्लेशन के लिए, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत, UNEP के तहत इसका काम हुआ है। द पर्पस ऑफ दिस कन्वेंशन, पर्पस, द ओजोन लेयर मींस द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन अबाउट द प्लानेटरी बाउंड्री लेयर। प्लानेटरी बाउंड्री लेयर ये शब्द भी अच्छा है, स्थलीय सीमा से ऊपर। एडवर्स इफेक्ट मींस चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट बायोटा इंक्लूडिंग चेंज इन क्लाइमेट विच हैव सिग्निफिकेंट डेलिटरियस इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ और द कंपोजिशन रेजिलेंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल एंड मैनेज इकोसिस्टम। अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट, मतलब पहला तो ओजोन लेयर को बताया है कि ओजोन लेयर क्या है, प्लानेटरी बाउंड्री लेयर से ऊपर की लेयर, जो भी उसके बुरे प्रभाव है उसको न्यूनतम करना और उसके लिए अल्टरनेट टेक्नोलॉजी को लाना। तो वियना जरूर याद रखना नाम, वियना सम्मेलन जो ऑस्ट्रिया का था, ये पहला सम्मेलन था जो कि ओजोन डिप्लेशन के लिए हुआ था। फिर जो बड़ा सम्मेलन हुआ था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बाध्यकारी है ये, बाध्यकारी, क्याटो के जैसा ओजोन पर बाध्यकारी समझौता है ये। मतलब बड़े अक्षरों में अगर मैं लिखना चाहूं तो बाध्यकारी समझौता है। किस पर बाध्यकारी है? ओजोन पर बाध्यकारी समझौता है ये।
1987 में सम्मेलन हुआ था, 1989 में लागू हुआ विश्व में। भारत ने 1992 में इस पर हस्ताक्षर किए थे, 1992 भारत में 1992 भी इम्पॉर्टेंट है। 72 और 73 वे संविधान संशोधन को याद रख सकते हैं। तो एक तरीके से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, ओजोन संरक्षण पर बाध्यकारी समझौता है, कंपलसरी एग्रीमेंट है, कंपलसरी, और यूएनईपी के अंडर में ही है ये भी, यूएनईपी जो कि 1972 की संस्था है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों को वर्ष 2000 तक सीएफसी का उपयोग और उत्पादन पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा गया। इसका मतलब इस सम्मेलन या इस प्रोटोकॉल मतलब एक तरीके से संधि से बढ़कर वादा है भाई, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट से भी ज्यादा बड़ी बातचीत है, संधि से बड़ी बातचीत है, प्रोटोकॉल है ये। प्रोटोकॉल मतलब इसका पालन किया जाना ज्यादा जरूरी है। 1987 का ये प्रोटोकॉल विकसित, सर विकसित मतलब वो 16 देश जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत पहले कर लिया था, उनसे कहा गया कि वर्ष 2000 तक आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के लिए बड़ा डेंजर होता है, उस लेयर को या ओजोन को तोड़ देता है ऑक्सीजन में। तो वर्ष 2000 तक उन पर लगाया गया कि भाई वर्ष 2000 तक सीएफसी बंद करो तुम्हारे यहां का। और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी जैसे भारत जैसे देश थे उनको 2010 तक का टाइम दिया गया, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज उतना एमिशन नहीं करती थी जितनी कि डेवलप कंट्रीज। 2010 से प्रोटोकॉल का एजेंडा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को धीरे धीरे बाहर करने पर केंद्रित हो गया। तो अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाहर हो गया, अब इसको भी निकालने की बातचीत हो रही है। 2010 से लगातार देशों पर दबाव डाला जा रहा है कि आप सीएफसी को तो बैन कर चुके हैं, अब एचसीएफसी को भी बैन करना शुरू करिए, क्योंकि यह भी ओजोन के लिए खतरा उत्पन्न होता है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाध्यकारी प्रोटोकॉल है, और इस बाध्यकारी प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो 15 सितंबर 1987 को यह प्रोटोकॉल आया था। यह प्रोटोकॉल अब लगभग 198 यूनाइटेड नेशन मेंबर वालों के द्वारा स्वीकार भी किया गया है। मुझे बताना विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे। देख लेते हैं कितने लोगों को बातचीत याद है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे। और मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंस है उस तारीख का आपके लिए। तो इधर ध्यान से देखते चलना, थोड़ा टाइम और लग सकता है, बट मैं चाहता हूं कि एक ही बार 3 घंटे की क्लास क्यों ना हो, लेकिन बार बार नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार में बड़े सीक्वेंस के साथ चीजों को कवर कर लेते हैं। 16 सितंबर, क्योंकि 15 सितंबर को इसको एडॉप्ट किया गया और 16 सितंबर से ही अब उसको मनाया जाने लगा। इसके अंतर्गत ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसके अंतर्गत सीएफसी पर बैन लगा है, एचसीएफसी पर बैन लगा है, फ्रियॉन्स भी कहते हैं इन दोनों को, फ्रियॉन्स भी कहा जाता है, फिर हेलोन्स मतलब जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का यूज होता है, इनका यूज करने वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर भी बैन करने की बात है, हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरोकार्बन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको ऐसा लिखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन और 4 बार क्लोराइड है इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मतलब 4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सीएफसी एचसीएफसी इन्हें फ्रियॉन्स कहते हैं, हेलॉन्स एचबीएफसी इन पर बैन लगाने की बातचीत है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आप लोगों को पता होगा बेहोशी की दवाई के रूप में यूज होता था, फिर मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नोट करना ये पॉइंट, क्योंकि क्लोरो ब्रोमो सबको याद रहेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर भी है ये। और इसी का अब एक नया समझौता आया है, किगाली,
किगाली, वैसे किगाली में जो पदार्थ बैन किया गया है वो ओजोन को नुकसान नहीं देता है, लेकिन वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। हाइड्रो फ्लोरोकार्बन HFC पर भी बैन लग गया है। अब किगाली समझौता 2016 का है, पर यह 2016 में HFC क्या ओजोन के लिए खतरनाक है? नहीं महोदय, ये केवल क्लाइमेट चेंज के कारण इस पर बैन लगाया गया है। तो वियना पहला, मॉन्ट्रियल बाध्यकारी, मॉन्ट्रियल बाध्यकारी, और किगाली जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ओजोन डिप्लेशन पर भी बातचीत करता है। तो ये पहला था, ये बाध्यकारी था, सबसे महत्वपूर्ण मॉन्ट्रियल है इसमें। और किगाली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किगाली के अंतर्गत बातचीत की गई है, किगाली के अंतर्गत बातचीत की गई है कि पूरी तरह से इस सम्मेलन में हम जलवायु परिवर्तन के गैसों पर भी काम करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से बाह्य करने के मुद्दे से जुड़ा हुआ है? ब्रिटेन वुड, मॉन्ट्रियल, कैटो, नगोया। पता है तो आप लोगों के लिए सवाल बहुत ही घटिया है, लेकिन नहीं पता है तो तकलीफदायक होगा। कल आर्टिकल की क्लास लेंगे हम स्पेशल, कल संडे पूरी स्पेशल क्लासेस लेंगे, आर्टिकल पर क्लास लेंगे कल संडे। आपके जो पॉलिटी है उस पर भी बातचीत कर लेंगे, या साइंस टेक्नोलॉजी पर कुछ बात करेंगे कल संडे। हो सकता है कि कुछ बेटर करेंगे, आप लोग सजेस्ट करते चलिएगा। कल संडे स्पेशल क्लासेस रहेगी केवल। तो अवर कॉमन फ्यूचर ये है एक नई रिपोर्ट, ब्रूटलेन रिपोर्ट है ये, ध्यान देना। अब 1987 का एक और सम्मेलन है, 1987 में एक रिपोर्ट आई थी, ब्रूटलेन रिपोर्ट, लाल लालियो, इस रिपोर्ट का टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। और आपको मैं बता दूं कि इसी रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट परिभाषित किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1987 हो गया, मॉन्ट्रियल खत्म हुआ, अब एक नया संस्था है, एक नया संगठन है। नया संस्था, नया संगठन क्या है? अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। एक रिपोर्ट आई थी, ब्रूटलेन रिपोर्ट के नाम से भी जानते इसको, 1987 में इसका टाइटल था, और इसी में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी गई थी। इन 1987 द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट विच हैड बीन सेट अप इन 1983 पब्लिश ए रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर। द डॉक्यूमेंट कम टू बी नोन एज ए ब्रूटलेन रिपोर्ट आफ्टर द कमीशन चेयरवुमन ग्रो हार्लेम ब्रूटलेन। इट डेवलप्ड ग्लाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर इस दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी ने परिभाषित किया, धारणीय विकास जिसे हम कहते हैं, सतत विकास जिसे हम कहते हैं, वो यही से लाया गया है, ब्रूटलेन रिपोर्ट। बड़ी फेमस रिपोर्ट है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा बताती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। धारणीय विकास एक ऐसा विकास है जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को कॉम्प्रोमाइज करने ना दे। भाई आज हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, पानी का उपयोग लिमिटेड करना पड़ रहा है हमें, पेड़ पौधे लकड़ी का उपयोग सीमित करना पड़ रहा है हमें, पेट्रोल डीजल के उपयोग को सीमित करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी पुरानी पीढ़ी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और इसी कारण से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक चर्चा में आया।
और लोगों को बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ऐसा डेवलपमेंट कि भविष्य की पीढ़ी को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ऐसा विकास जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे बेहतर जीवन जी सके, ऐसा विकास जिन्हें पर्यावरण के परिणाम बुरे ना मिले। ब्रूटलेन रिपोर्ट याद रखिएगा, बड़ी फेमस है ब्रूटलेन रिपोर्ट। और फिर आते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल, जो मैंने आपको बताया था कि आईपीसीसी एक पैनल है जो क्लाइमेट चेंज पर फाइनल रिपोर्ट देता है। यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ दोनों के वैज्ञानिक मिलकर इस पैनल का निर्माण करते हैं। 1988 से यह स्थापित हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पैनल है, संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पैनल है। 1988 में इसकी स्थापना इन दोनों के वैज्ञानिकों ने मिलकर की। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 2007 में नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है और लगभग इस पैनल में 195 देशों के कई सारे वैज्ञानिकों को भी जोड़ा जाता है। ऑफिशियल क्लाइमेट चेंज पर रिपोर्ट जारी करने वाली विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिकों की एक तरीके से पैनल है ये। पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो कि विश्व पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को बताते हैं। अब आते हैं, जैसे रामसर सम्मेलन है एक गवर्नमेंटल, वैसे एनजीओ हमने देखे बहुत सारे, बट ये एनजीओ थोड़ा अलग है। इस एनजीओ पर ध्यान देना सभी लोग। ये जो एनजीओ है ये आर्द्र भूमि पर, जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पक्षियों पर काम करने वाला एनजीओ है, पक्षियों पर काम करने वाला एनजीओ है, वैसे ही वेटलैंड इंटरनेशनल आर्द्र भूमि पर काम करने वाला एनजीओ है। लेकिन इसका रामसर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। रामसर की बातों को विश्व के सामने लाता है ये, लेकिन रामसर के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। ये प्राइवेट बनाया गया एनजीओ है। वेटलैंड इंटरनेशनल की स्थापना तीन संगठनों के मिलने से 1991 में, 1991 में तीन संगठन मिलकर बने। ये तीनों संगठन काफी पुराने टाइम से काम कर रहे थे वेटलैंड्स पर, तो इन तीनों संगठनों का लगभग एक जैसा काम होने के कारण इन तीनों संगठनों ने आपस में बातचीत की और कहा कि क्यों ना एक बड़ा एनजीओ बनाया जाए जो वेटलैंड पर ही काम करेगा। तो इन्हीं तीनों संगठनों के मिलने से बना वेटलैंड इंटरनेशनल। वेटलैंड इंटरनेशनल 1991 में बना है और तीन संगठनों के मिश्रण से बना है, तीन संगठनों के जुड़ने से बना है। विश्व का इकलौता संगठन है। दिस वर्किंग रिलेशनशिप इवॉल्व्ड इन ए सिंगल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विच एडॉप्टेड द नेम वेटलैंड इंटरनेशनल, एस्टैब्लिश हेडक्वार्टर इन नीदरलैंड। नीदरलैंड में फाइनली 1996 में फिर इसका मुख्यालय भी बना। तो 1991 में यह एक साथ जुड़े और इन्होंने वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में बनाया। विश्व का इकलौता संगठन है जो आर्द्र भूमि पर काम करता है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जाना जाता है। एनजीओ है ये एनजीओ, तो वेटलैंड इंटरनेशनल एनजीओ है, प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा बनाया गया है। और याद रखिएगा कि पूरी तरह से सरकारें भी कई सारी इसके साथ जुड़ती हैं आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। अब आते हैं 1992, और 1992 में तो बाढ़ सी आ जाएगी। 1992 पर पृथ्वी सम्मेलन महोदय, पृथ्वी सम्मेलन विश्व में सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था। विश्व में सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। ब्राजील की राजधानी थी उस समय रियो डी जेनेरियो, इस समय ब्राजीलिया है ब्राजील की राजधानी। विश्व में सबसे ज्यादा लोग शामिल हुए थे सम्मेलन में, सबसे ज्यादा देश के प्रतिनिधि। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सम्मेलन को बुलाया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। पर इस सम्मेलन के बाद बहुत सारे और सम्मेलन उसी मीटिंग के खत्म होने पर फिर मीटिंगें हुई। बायोडायवर्सिटी पर सम्मेलन हुआ,
क्लाइमेट चेंज पर यही सम्मेलन शुरू हो गए। उसके बाद यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सम्मेलन शुरू हुए। बहुत ज़्यादा सम्मेलन इस पृथ्वी सम्मेलन के साथ साथ कंप्लीट किए गए। लगभग मान के चलो कि विश्व के प्रतिनिधि एक महीने तक रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण के मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए उपस्थित हुए थे। तो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इसे पृथ्वी सम्मेलन 1 भी कहा जाता है। ये बहुत ही बड़ा सम्मेलन था, सबसे बड़ा सम्मेलन माना जाता है ब्राजील का। 3 से 14 जून तक अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई थी और सबसे बड़ा, सोचिए 179 कंट्रीज एक जगह पर उपस्थित थी। ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए इसको अर्थ समिट कहते हैं। और इस सम्मेलन में 5 सम्मेलन हुए थे। इस सम्मेलन से 5 उत्पत्ति हुई थी। जैसे 1972 में यूएनईपी बना ना, तो 1972 में यूएनईपी बना तो 1992 में बहुत सारे संगठन भी बने थे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी के बाद फिर 1995 से इसी महोदय ने हर वर्ष जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस बुलाना शुरू कर दी। हर वर्ष जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन UNFCCC करता है। UNFCCC की निर्माण उत्पत्ति 1992 के पृथ्वी सम्मेलन से हुई। जैसे 5 जून 1972 से यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम बना, वैसे UNFCCC बना। साथ ही साथ इस सम्मेलन से बायोडायवर्सिटी पर CBD का भी निर्माण किया गया। बायोडायवर्सिटी पर एक सम्मेलन भी हुआ कि जैव विविधता को कैसे संरक्षित किया जाए। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए कॉम्बैक टू डेजर्टिफिकेशन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत UNCCD की स्थापना भी सम्मेलन से हुई। डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वनों के प्रबंधन के लिए नई नियमावली आई। कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो वास्तविक रूप में सबसे बड़ा और मुख्य सम्मेलन था। यदि पूछा जाए कि 1992 के सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था, तो जलवायु परिवर्तन नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास सबसे बड़ा मुद्दा था। धारणीय विकास इसमें सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोचिए कितना बड़ा सम्मेलन होगा ये, कि 5 संस्थाएं, 5 संगठन, 5 सम्मेलन जैसी चीजें इसमें हो गई। एक तो जलवायु परिवर्तन के लिए इस पूरी, मतलब अब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने जलवायु परिवर्तन का काम पूरी तरह से इसको सौंप दिया कि तुम केवल जलवायु परिवर्तन पर गौर करो। इसको सौंप दिया कि तुम केवल बायोडायवर्सिटी पर काम करो। इसे कहा कि तुम डेजर्टिफिकेशन पर काम करो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कमीशन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया, जो पूरे विश्व के लोगों को, सरकारों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सलाह देगा। इसी के तहत एजेंडा 21 आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। 21 मतलब 21वीं शताब्दी का एजेंडा, क्योंकि 8 सालों के बाद तो नई शताब्दी आने वाली थी ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बातचीत हुई। पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा, सतत विकास से जुड़े हुए दस्तावेज, वनीकरण से संबंधित कानूनी गैर बाध्यकारी दस्तावेज था वन सिद्धांत, जो हमने आपको बताया। एजेंडा 21 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन, ये जो पर्यावरण पृथ्वी सम्मेलन के तहत लाया गया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पर ये जो बातचीत हुई। एजेंडा 21 इज ए कॉम्प्रेंसिव प्लान ऑफ एक्शन टू बी टेकन ग्लोबली, नेशनली एंड लोकली बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम, गवर्नमेंट और मेजर ग्रुप इन एवरी एरिया इन विच ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट।
एजेंडा 21 इज द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट वर अडॉप्टेड बाय मोर देन 178 गवर्नमेंट एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड रियो डी जेनेरियो 3-14 June 1992। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था ये और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। एजेंडा 21 कभी कभी दिखता है, इसके बारे में कौन से विचार हैं, 2016 का प्रश्न है ये, 2016 का प्रश्न है, गौर करिए जरा और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। अब अभी और हो सकता है, एक घंटा लगेगा, पर मैं चाहूंगा कि एक ही बार में चीजें कवर कर लेते हैं। यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 जोहान्सबर्ग में धारणीय विकास, जी नहीं महोदय, केवल और केवल आंसर आएगा ऑप्शन ए। ये पूरी तरह से क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को अब कि कितने सिंपल सवाल थे। तो अभी इसी के सम्मेलनों पर बातचीत करते, एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था, बायोडाइवर्सिटी के लिए सीबीडी था, पहला था ये जैव विविधता पर, बायोडायवर्सिटी जैसी चीज पर पहली बार इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, बायोडायवर्सिटी जैसे मुद्दे पर पहली बार सम्मेलन हुआ, सीबीडी के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, पहली बार। और 22 मई को हुआ था 1992 में, नैरोबी में स्वीकार किया गया इसको 22 मई को, और इसीलिए 22 मई से हम मनाने लग गए इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाने लगा 22 मई से। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें पहली बार बायोडायवर्सिटी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस। एक पॉइंट ध्यान से सुनना जरा, इधर ध्यान देना, 1993 में यह लागू हुई। पहले केवल इसमें दो पॉइंट थे, ये जो तीसरा पॉइंट है ना लाल लालियो, ये तीसरा पॉइंट 2010 में जो नागोया प्रोटोकॉल हुआ था, नागोया इसमें जोड़ा गया था, इसलिए नागोया प्रोटोकॉल को या नागोया संधि को इसकी सप्लीमेंट्री पूरक संधि कहा जाता है, जिसने अधूरे काम को पूरा किया था। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये इसमें बाद में जोड़ा गया सीबीडी में, जो कि 2010 में नागोया प्रोटोकॉल में शामिल किया गया था, पर 1992 में यह जो संधि आई थी रियो डी जेनेरियो में शुरू हुई थी और 1992 में नैरोबी में इस पर साइन हुआ 22 मई को, और इसीलिए पहली संधि जब बायोडायवर्सिटी पर साइन हुई 22 मई को, तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाने लगा। इसकी मीटिंगें हर दो साल में होती हैं, हर दो वर्ष में बायोडायवर्सिटी पर मीटिंगें होती हैं, हर दो साल में अपनी मीटिंगों को आयोजित करके सरकारों को आगाह करते हैं कि वो बायोडायवर्सिटी पर कैसे काम कर सकते हैं संरक्षण के लिए। फिर है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के लिए एक अलग संस्था बना दी गई 1992 में, 1992 में क्लाइमेट चेंज के लिए इसका निर्माण किया गया, और अब यह संस्था हर साल मीटिंग करवाती है, यह संस्था हर साल मीटिंग करवाती है। थोड़ा सा क्लियरिटी ला दूं मैं, यूएनईपी 1972 में आई, जिसने 1992 में एक सम्मेलन आयोजित करवाया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके तहत एक संगठन बनाया गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको दिया गया एक जिम्मेदारी कि वो क्लाइमेट चेंज पर देश की सरकारों को एकजुट करे, हर साल बैठकें आयोजित करे, और 1995 से फिर इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की शुरुआत होती है लाल लालियो। तो क्या ये कंसेप्ट और क्लैरिटी आ रही है कि UNFCCC के अंतर्गत ही जलवायु के लिए सम्मेलन होते हैं, जैसे आर्द्र भूमि के लिए रामसर पर होते हैं, बायोडायवर्सिटी के लिए CBD के अंतर्गत होते हैं, वैसे क्लाइमेट चेंज के लिए UNEP के अंतर्गत नहीं, UNCED के अंतर्गत नहीं, UNFCCC के अंतर्गत होते हैं। यह संगठन तय करता है कि क्या क्या बातचीत होगी, क्या क्या बातचीत होगी। जलवायु परिवर्तन पर पहला बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय समझौता है ये, 1994 से लागू हुआ, सभी देशों ने हां कहा, गैर बाध्यकारी है और वैश्विक तापन से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए। 1995 में पहला सम्मेलन बर्लिन में हुआ था, बर्लिन में सबसे पहला सम्मेलन जलवायु। अब आएंगे क्लाइमेट चेंज, तो अब सिलेबस में एंट्री कर रहा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन अब सिलेबस में एंट्री कर रहा है क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC एंटर इनटू फोर्स 21st मार्च 1994, टुडे इट हैज नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप, 197 कंट्रीज दैट हैव रेटिफाइड द कन्वेंशन आर कॉल्ड पार्टीज ऑफ कन्वेंशन, प्रिवेंटिंग डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम इन द अल्टीमेट एम ऑफ UNFCCC। ये सरकारों का एक तरीके से सम्मेलन कराता है, IPCC वैज्ञानिकों की टीम है जो रिपोर्ट पब्लिश करती है, रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो UNFCCC याद रखिएगा कि यह बनाया गया था मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए। पर 1992 में एक और सम्मेलन हुआ था मरुस्थलीकरण को सीमित करने के लिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, रियो सम्मेलन, मतलब रियो डी जेनेरियो 1992 के अंतर्गत ही 1996 से लोगों ने लागू किया, कानूनी रूप से बाध्यकारी है और हर दो साल में इनकी मीटिंगें होती है। यूएनसीसीडी, सीसीडी याद रखेंगे आप लोग, मुझे पता है कैफी कॉफी डे को कई सारे शहर के लाल लाली जो जाते रहते हैं वो सीसीडी कहते हैं, तो UNCCD, पर ये कैफे कॉफी डे नहीं है बल्कि कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है। यह हर दो साल में सम्मेलन आयोजित कराता है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, जैसे UNFCCC क्लाइमेट चेंज के लिए हर साल सम्मेलन आयोजित कराता है। UNCCD 2018-2030 स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क बनाया गया है कि कैसे मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है, मरुस्थलीकरण को। वर्ल्ड डे टू कमबैक डेजर्टिफिकेशन 17 जून को सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या सेलिब्रेट करवाएंगे ये लोग, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड, मतलब पानी का संरक्षण है इसके अंतर्गत और मरुस्थलीकरण को रोकने की बातचीत है। 12 वर्षों का एक प्रोग्राम इन्होंने अभी लॉन्च किया है। फिर था द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर वनीकरण से जुड़ा हुआ एक दस्तावेज है। यह गैर बाध्यकारी, लेकिन वन कैसे होने चाहिए, उनका संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, वनों का क्या इंपॉर्टेंस है, यह भी रियो डी जेनेरियो में शामिल किया गया था। 1992 पे ही चल रही है बातचीत अभी, 1992 फॉरेस्ट प्रिंसिपल रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही था यह कार्यक्रम। तो एक तरीके से फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस को टारगेट किया गया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कमीशन बनाया गया था अंडर द UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इस पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग प्लीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो कमीशन था ना वो UNEP के अंतर्गत नहीं है, वह किसके अंतर्गत है,
यूनाइटेड नेशन का आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है, आर्थिक सामाजिक परिषद, इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन की है, उनके अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम किया जाता है और इसका मुख्यालय, इस कमीशन को न्यूयॉर्क के अंतर्गत रखा गया है, न्यूयॉर्क के अंतर्गत रखा गया है। द हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2013 से यहाँ पर अब इस कमीशन की जगह पर इसका नया नाम क्या है, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, मतलब सबसे उच्चस्त संस्था है राजनीतिज्ञों की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करती है, तो अब इसको 2013 से नया नाम दे दिया गया है हाई लेवल, हाई लेवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसका नया काम शुरू किया गया है और इसी को एजेंडा 21 भी लागू करना था। तो मुझे उम्मीद है कि 1992 तक की बातें फिर से सभी को क्लियर हो गई होगी। 1992 पर एक नजर फिर डाल दीजिए सभी लोग प्लीज। 1992 में पांच चीजें थी, UNFCCC, UNCCD, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर कमीशन, मरुस्थलीकरण जो वन प्रबंधन है उस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, तो याद रखिएगा ये सारा बायोडायवर्सिटी पांचवा, तो याद रखिएगा ये पांचों के पांचों संस्थाएं 1992 की देन है। बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय लाया गया था, चीजों पर जरा गौर करते चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। तो 1992, अब यहां से क्या होगा कि अब हम पूरी तरह से जलवायु परिवर्तन पर फोकस करेंगे, क्योंकि अब वन्य जीव, बायोडायवर्सिटी वो तो इंपॉर्टेंस रहेगा ही, लेकिन सबसे हाईलाइट होगा क्लाइमेट चेंज, और ये क्लाइमेट चेंज तब ज्यादा हाईलाइट होता है जब 1995 में पहली बार कॉप आयोजित होता है बर्लिन में, और 1997 में जो तीसरा कॉप होता है ना लाल लालियो, तीसरी कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग जापान के क्याटो में, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं और विश्व के अमीर देश, विकसित देश एक बाध्यकारी समझौता साइन कर लेते हैं, पछताते हैं बाद में वे, लेकिन कर देते हैं हवाबाजी में 1997 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 में क्याटो प्रोटोकॉल। लगभग विश्व के 16 देश जब तक इस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो कंपलसरी नहीं था। क्या वादा किया था इसमें, इन्होंने वादा किया था कि हम 2010 तक में हमारे देश का CO2 एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 1990 से भी 5.2% कम कर देंगे, पर इन्हें फिर मौका दिया गया, 2020 की लिमिट खत्म हुई और उसके बाद ही क्याटो प्रोटोकॉल अब समाप्त हुआ। किसी ने कुछ भी नहीं किया, पर प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी कुछ काम नहीं हो पाया। 2010 से 2020 दूसरी अवधि की शुरुआत हुई थी क्याटो प्रोटोकॉल की। पहले तो सभी 16 देशों ने साइन नहीं किया, आखिरी में 16वां देश कनाडा साइन करता है 2005 में और तब ये संधि लागू होती है। तो कौन सा जादूगर है जो आने वाले 5 साल में ये भयानक परिवर्तन को लागू कर सकता था, संभव ही नहीं था। फिर एक मौका दिया गया और 2020 में क्योंकि ये खत्म होने वाला था तो विश्व के देशों ने कहा क्या क्लाइमेट चेंज पर सच में काम नहीं करना है, कुछ तो लागू कराओ। तब 2015 में पेरिस समझौता साइन हुआ जो अब चल रहा है। 2021 से विश्व भर में कौन सा समझौता चल रहा है, तो वह पेरिस समझौता है जो क्याटो प्रोटोकॉल की जगह है, लेकिन पेरिस समझौता क्याटो प्रोटोकॉल की तुलना में बहुत ही कमजोर और केवल नाम मात्र का है। जहां क्याटो प्रोटोकॉल में दबाव डाला गया था 16 देशों पर कि वो इतना कम करेंगे, वहां पेरिस समझौते में कहा गया कि कितना कम करेंगे हमें नहीं पता कितना कम करेंगे, लेकिन इतना कम करेंगे कि
कि 2100 तक पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, लेकिन अगर 1.5 से बढ़ गया तो 2 से ज्यादा ना बढ़े। इनकी बातें तो सुन लो, गंदे लोगों की बहुत गंदगी है। सोचिए कि पूरी पृथ्वी संकट में है और उस पर भी इन लोगों को राजनीति जम नहीं रही है, तो कोई टारगेट नहीं है। दूसरा, हर एक देश को जिम्मेदारी है, यहां 16 देश विकसित देशों को जिम्मेदारी थी, यहां प्रत्येक देश को जिम्मेदारी दी गई है और हर एक देश अपने अनुसार तय करे कि वो क्या करना चाहता है, अपने अनुसार तय करे। तो एक अद्भुत सा सम्मेलन है, समझौता है, पेरिस एग्रीमेंट। तो ये क्याटो प्रोटोकॉल 1907 में जापान के शहर क्याटो में कानूनी रूप से बाध्यकारी 16 जनवरी 2005 से प्रभावी हुआ जब कनाडा ने साइन किए। कनाडा ने साइन करने के बाद कनाडा ने ही कहा कि हम इसको तब तक लागू नहीं कर पाएंगे जब तक चीन और भारत जैसे देश इसमें शामिल नहीं होते। हमने कनाडा से कहा कि आज जो ये पाप तुम देख रहे हो ये हमारे थोड़ी है, ये 1800 और 1919वीं शताब्दी में आप लोगों के द्वारा हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जलाया गया कोयले का परिणाम है, जो लाखों वर्षों से कोयला दबा हुआ था, आपने उसको खोदा, उसको जलाया, तो वो कार्बन जो था वो CO2 के रूप में भटक रहा है, अब उसकी मात्रा बढ़ गई, तो हम पर दोष क्यों डाल रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कम करो, पर इन्होंने कम नहीं किया। तो क्याटो प्रोटोकॉल पूरी तरह से ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कंट्रोल करने पर काम करता है। पहली प्रतिबद्धता 2008-12 तक थी, 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 90 के स्तर से 5.2 कम करने का वादा किया था। हर एक देश ने वादा किया था कि हमारा जितना भी 90 में था उससे भी 5.2%। दूसरी प्रतिबद्धता 2020, कौन सी 6 गैसें हैं सर? CO2, याद रखना, मीथेन पूछा जाता है, ये 6 गैसें CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन किगाली में इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि वादा किया था, तो यहां जब 2015 में भी वादा किया, क्याटो में भी वादा किया, तो ओजोन को भले ही नुकसान ना पहुंचाए लेकिन ये भी तो क्लाइमेट चेंज करता है, इसलिए इस पर बैन करने की बातचीत हो गई। तो 6 ग्रीन हाउस गैसों को प्रतिबंधित करने के वादे किए गए थे क्याटो प्रोटोकॉल में। COP 3 में 6 गैसों के लिए 2 बार प्रतिबद्धता दी गई थी, 90 के रिस्पेक्ट में 5.2% कम करने का वादा 16 औद्योगिक देशों का, आखिरी में साइन कनाडा ने किया, किसी ने वादे पूरे नहीं किए। ये 6 गैसें याद रखिएगा, 2011-12 के सम्मेलन में NF3 को भी शायद इसमें जोड़ा गया है। तो ये वो कंट्री थी NX1, ये 16 औद्योगिक देश थे जिन्होंने कहा था कि हां हम वादा करते कम करेंगे, बाद में मुकर गए ये बदमाश, इनको NX1 नाम दिया गया। NX1 औद्योगिकृत विकसित देश, संक्रमण काल से गुजरने वाली अर्थव्यवस्था, पूर्व केंद्रीय रूप से नियोजित रूस, पूर्वी यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं लगभग 1992 में OECD के ये मेंबर थे, खास करके ये विकसित देश थे, तो हम कह सकते हैं कि 16 कंट्रीज लगभग थी। NX2 में NX1 को छोड़कर बाकी सभी देश डाले गए थे जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, भारत और चीन इसी में था। NX1 में शामिल देशों का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 90 के स्तर से कम 18% कम करने का वादा था, मतलब वो जो ओवरऑल देखेंगे कमी कितनी करनी पड़ेगी। भारत ने भी कहा कि भैया आप तो अब हम भी मान लेते, भारत ने भी स्वीकार किया कि हम भी कुछ कमी कर देंगे, लेकिन फाइनली क्याटो प्रोटोकॉल का कोई भी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि NX1 कंट्रीज ने कहा कि NX2 कंट्री पर भी दबाव डालिए। फिर 2002 का जोहान्सबर्ग का सम्मेलन, 2002 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए थे, जैसे अभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, उस समय मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लाए थे इन्होंने। गोल लाते हैं ये बिल्कुल हमारे भारतीय राजनीति के जैसे हैं, वादा करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे चुनाव से पहले, पूरा कुछ नहीं हो पाता, तो इनका भी कुछ वैसा ही हाल है। तो ये जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ पृथ्वी सम्मेलन के जैसा ही समझ सकते हैं, लेकिन उतना कुछ बड़ा नहीं था।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर आयोजित किया गया ये सम्मेलन था, जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लाए गए थे, पर वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अब साइड में हो गए, अब उसकी जगह नए गोल लेकर आ गए। इसमें कुछ बीमारियों से लड़ने की भी बातचीत थी, नवीकरणीय ऊर्जा की बातचीत थी। लेकिन वर्ष 2000 का, ये थोड़ा आगे पीछे इसको देख लेना, 2002 जोहान्सबर्ग, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, बायोडायवर्सिटी। एक्चुअल में क्या हुआ था कि वर्ष 2000 में वैश्विक स्तर पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें बड़ी मात्रा में बढ़ने लगी थी, बीटी कॉटन आ गई थी। तो पर्यावरणवादियों ने कहा था कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें हैं ना, ये सामान्य रूप से प्रकृति के लिए खतरनाक हो सकती हैं, तो प्रकृति के लिए अगर हानिकारक होगी तो इसको जैव विविधता संरक्षण कैसे करेंगे। तो हर एक देश को यह आजादी दी गई कि अगर राष्ट्र को लगता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट या उसके कारण उसके वन्य जीवों को खतरा है, तो वो उसको बैन लगा सकता है और इसे वैश्विक समुदाय किसी प्रकार से विरोध में नहीं देखेगा। तो ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जिसमें कहा गया था कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनुवांशिक रूपांतरित चीजों पर बैन लगाया जा सकता है, कोलंबिया के कार्टेजिना में हुआ था। जेनेटिक तरीके से सुधारे गए उत्पाद के व्यापार को रेगुलेट करना, मतलब जब भी हमारे देश से मान लो बीटी कॉटन जाएगा या कोई भी प्रोडक्ट जिसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया गया था, तो उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी लिखी जाएगी कि यह जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिक रूप से सुधार किए गए उत्पादों के पैकेट में उत्पाद के बारे में विवरण लिखना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। सदस्य देश को यदि लगता है कि कोई जेनेटिक बीज या पशु उनके पर्यावरण उत्पाद को हानि पहुंचा सकता है, तो उस पर वो बैन लगाएगा। तो याद रखना, कार्टेजिना प्रोटोकॉल एक तरीके से बायोसेफ्टी का प्रोटोकॉल माना जाता है। बायोसेफ्टी किन से बायोसेफ्टी? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, जिनके अनुवांशिक चीजों में परिवर्तन किया गया है। तो बायोसेफ्टी का प्रोटोकॉल है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जिसका मेन लक्ष्य तो वैसे जैव विविधता संरक्षण है, लेकिन जैव विविधता का संरक्षण किन से? जो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें हैं उनसे। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बातचीत की गई कि भाई इनको पूरी तरह से क्लियर करिए। 173 कंट्रीज ने साइन किया है, हम लोगों ने भी साइन किया है, और इसीलिए तो 2002 में हमारे देश की सरकार ने बायोडायवर्सिटी के लिए एक आयोग बनाया था। याद करिए, 2002 का एक कानून है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। ये क्यों कानून आया होगा 2002 में ही क्यों आया होगा? तो उसके पीछे है कार्टेजिना प्रोटोकॉल की पूरी प्रतिबंध। हमें भी कार्टेजिना प्रोटोकॉल के तहत काम करना पड़ा। कार्टेजिना प्रोटोकॉल के तहत हमारे देश में भी बातचीत हुई। तो जो भी प्रोडक्ट लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कोई पेपर है जो किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्री से बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह पेपर जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव से बनाया गया है। कोई भी मेडिसिन या कोई भी फार्मास्यूटिकल में कोई पौधा या जीव जंतु यूज हो रहा है, तो बताना पड़ेगा आपको कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ताकि लोगों की मर्जी है वो चुने या न चुने। फिर यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, मतलब अब क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर काम तेजी से बढ़ने लगे, तो वनों की याद आने लगी, क्योंकि यही तो वन है जो CO2 कैप्चर करते हैं। लेकिन अगर वनों को काटा जाए तो यही CO2 जो उनके पेड़ पौधों में लकड़ी के रूप में, सेलुलोज के रूप में दबा पड़ा है, वो जलेगा तो फिर रिलीज हो जाएगा। तो इसके प्रबंधन के लिए कदम उठाने जरूरी हो गए। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत एक सहायक निकाय है, सारे मेंबर है इसमें। सभी तरह के वनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास के लिए यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF, ये एक नया संस्थान है जिसका मेन मकसद पूरी तरह से यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत वनों के संरक्षण, प्रबंधन और उनके विकास पर काम करना है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल अफेयर फॉरेस्ट, अक्टूबर 2000।
काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिजोल्यूशन पारित किया गया और यूएनएफएफ की स्थापना हुई, ए सब्सिडरी बॉडी विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द मैनेजमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट टू स्ट्रेन लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट टू दिस एंड बेस्ड ऑन रिओ डिक्लेरेशन। याद करिए, रिओ में आप लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, तो वो जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल था उसी को आगे, मतलब जो 1992 में वन सिद्धांत लाया गया था, वर्ष 2000 में उसके लिए यूनाइटेड नेशन में एक संस्था बन गई। जैसे कि बायोडायवर्सिटी के लिए सीसीडी जिम्मेदार हो गया, जलवायु परिवर्तन के लिए UNFCCC जिम्मेदार हो गया, मरुस्थलीकरण के लिए UNCCD जिम्मेदार हो गया, वैसे वन सिद्धांत के लिए एक बढ़िया सम्मेलन आ गया वन सिद्धांत के लिए, और वो सम्मेलन था UNFF। इसको वनों की जिम्मेदारी दी गई, और ये किसके अंतर्गत है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, ये जो यूनाइटेड नेशन का है इसके अंतर्गत है। 2001 का ये सम्मेलन नोट कर लीजिए, फिर से कंफ्यूज कर सकता है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को सम्मेलन पहला हुआ था, लेकिन 2001 का भी यह सम्मेलन काफी फेमस है। 2004 से प्रभावी भारत, 2006 से किस पर है, ये परसिस्टेंट अनवरत जैविक प्रदूषक, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, POP, बड़ा फेमस शब्द है ये। ऐसे प्रदूषक जो जमीन पर, पृथ्वी पर लंबे समय तक रहते हैं, जैसे DDT, जैसे BHC, जैसे प्लास्टिक, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जैसे प्लास्टिक, ऐसे प्रदूषकों को कंट्रोल करना, क्योंकि कई सारे राष्ट्र क्या कर रहे थे, अपने देश के प्रदूषण को दूसरे देश में लेकर आ रहे थे, वैसे अपने देश के प्रदूषण को आप दूसरे देश में नहीं लेकर जा सकते। यह एक सम्मेलन हुआ था बेसल, आपने और यहां सुना होगा इकोनॉमिक्स में, लेकिन एक बेसल एग्रीमेंट भी था, जिस बेसल एग्रीमेंट में एक देश के प्रदूषण को दूसरे देश में ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी, और यहां पर अनवरत जैविक प्रदूषण पर नियंत्रण की बात है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करने की बात है। यह भी एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन इसको स्टॉकहोम POP कहा जाएगा, स्टॉकहोम POP। तो बेसल के बारे में याद रखना, बेसल ये लगभग मुझे याद आ रहा है 1988 के आसपास का है, जिसमें ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन पर बैन लगाया गया था। एक्चुअल में क्या होता था, ये अमेरिका और यूरोप के बदमाश देश क्या कर रहे थे कि अफ्रीका में जमीन खरीद लेते थे, अफ्रीका में, और अपने देश का जो भी भयानक कचरा होगा, भयानक प्रदूषक होंगे, उसको उन जमीनों में गाड़ कर आ जाते थे। एक बार अफ्रीका में काफी अत्यधिक बारिश हुई और बहुत बड़ी मात्रा में वहां रेडिएशन हुआ, बहुत बड़ा एक तरीके से मुद्दा उठ गया था वैश्विक स्तर पर कि अफ्रीका गरीब लोगों का देश है या गरीब लोगों का महाद्वीप, तो इसका मतलब कि कोई कुछ भी कर लेगा। तब बेसल के तहत वादा किया गया था कि कोई भी राष्ट्र अपने यहाँ के प्रदूषण को दूसरे राष्ट्र में नहीं भेजेगा, बेसल के तहत। और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की अगर हम बात करें तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट स्टॉकहोम का ही सम्मेलन है। They are toxic, they have potential to accumulate in unhealthy quantities in human and animal, they are stable, thus resistant to natural background, आसानी से नहीं टूट पाते हैं, उन सभी पर प्रतिबंध की बातचीत है। The Stockholm Convention is a global treaty to protect human health and environment from the effect of persistent organic pollutant. द कन्वेंशन एंटर इन टू फोर्स 2004। तो कोई भी देश अपने यहां पर ऐसी चीजों को रोक लगाएगा, प्रतिबंधित करेगा, तो याद रखिएगा कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पर ये स्टॉकहोम सम्मेलन भी है। फिर वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन, मतलब तस्करी का मतलब होता है जैसे व्यापार, तो भाई सरकार ने अनुमति दी होगी, तस्करी मतलब चोरी छिपे काम किया जा रहा हो तो उस पर भी कंट्रोल करने की बातचीत आएगी।
कोइलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, जैसे आप लोगों ने ट्रैफिक देखा था, साइट्स देखे थे, तो ये तो ऑफिशियल थे, ऑफिशियल थे कि भाई सरकार व्यापार पर बैन लगाएगी जिससे भी कुछ नुकसान होगा, और ये तो है कि विरुद्ध गठबंधन, विश्व के देश एकजुट हुए, जो भी वन्य जीवों की तस्करी करेगा वो किसी भी देश का नागरिक हो, कहीं भी भाग कर गया हो, उसको पकड़ने में मदद करिए। सार्वजनिक और निजी सहयोग पर आधारित एक स्वैच्छिक संगठन है, एनजीओ है ये, वन्य जीवों की बढ़ती अवैध तस्करी पर लोग और सरकारों का ध्यान आकर्षित करना, तो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने में ये मदद करता है। फिर 2007 में UNFCCC के अंतर्गत बाली समझौता, बाली एक्शन प्लान हुआ था, जिसमें विकसित देशों ने पर्यावरण परिवर्तन पर यह जो सम्मेलन हुआ था, इसमें विकसित देशों ने कहा था कि हम गरीब देशों की मदद करेंगे। आगामी प्रतिबद्धता को मानना पड़ेगा, और एक टेक्निकल ट्रांसफर की बातचीत की गई थी बाली एक्शन में। बाली एक्शन में प्रौद्योगिकी और पैसों की बातचीत हुई थी कि हम लोग, क्योंकि अभी वादे तो पूरे नहीं कर पा रहे थे जलवायु परिवर्तन के कैटो प्रोटोकॉल के तहत, तो फिर ये क्या करते थे कि हम गरीब देशों को पैसे दे देंगे, हम गरीब देशों को टेक्नोलॉजी दे देंगे ताकि उनका CO2 एमिशन कम हो जाए, ऐसी बातें अब ये बाली से शुरुआत करने लगे, तो बाली एक्शन प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। ये वही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पर है, लेकिन बाली एक्शन प्लान के बाद एक बड़ा प्रोग्राम आया था, RED, जरा प्रोग्राम पर गौर करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, सवाल भी है, क्या है सर ये REDD? रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, मतलब जिसे गरीब देश है, तो भाई गरीब देशों के पास वन बड़ी मात्रा में है, पर उस देश की सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने देश के वनों को संरक्षित कर सके, विकसित कर सके, उनका मैनेजमेंट कर सके, तो अमीर देश वादा करेंगे कि हम आपके इस वनों को संरक्षित करने के लिए पैसे देंगे, और इस वनों से जो भी CO2 कैप्चर होगा वो माना जाएगा कि अमीर देश ने एक तरीके से CO2 एमिशन कम कर दिया। मतलब वही है ना भाई कि जैसे कैंसर के बीमार वाले पहले सिगरेट बेच दो और फिर उसको कैंसर हो तो इसका इलाज फ्री में करा दो। 2008 में विकासशील देशों में निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती के लिए, गरीब विकासशील देशों के लिए UNREDD प्रोग्राम, UNDP के अंतर्गत है ये, 150 मिलियन कार्स UNREDD कंट्रीज हैव सबमिटेड फॉरेस्ट एमिशन रिडक्शन इक्वल टू टेकिंग 150 मिलियन कार्स ऑफ द रोड ऑफ ए ईयर। मतलब इन्होंने इतना वनों का संरक्षण किया कि इतनी गाड़ियां सड़क पर जितना CO2 एमिशन करती उतना खींच लिया। $1 billion UNREDD हैज चैनलाइज्ड मोबिलाइज मोर देन यूनाइटेड स्टेट डॉलर $1 billion, मतलब अभी तक इतना $1 अरब अमेरिकी डॉलर तक खर्चा किया गया है इस प्रोग्राम के तहत। तो इस प्रोग्राम के तहत REDD वॉज लॉन्च इन 2008 एंड बिल्ड ऑन द कन्विंसिंग कैपेसिटी एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, FAO भी है इसमें, और UNDP, UNEP तीनों संस्थाओं ने मिलकर काम करना शुरू किया है ताकि गरीब देशों के वनों का संरक्षण किया जा सके। फिर यूनाइटेड नेशन ने 2013 में कुछ और कार्यक्रम जोड़ दिए गए कि भाई विकसित जो देश हैं वो एक फंड जारी करेगा, इस फंड का देखरेख यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत किया जाएगा, इसलिए इसका काम रखा गया कि काम तो वही है लेकिन अब पैसों का एक फंड बनाया जाएगा, विकासशील देशों को वन आच्छादित भूमि से उत्सर्जन में कमी करने और कम कार्बन आधारित निवेश को प्रोत्साहित करने। तो अभी देखना, REDD में वनों का प्रबंधन और संरक्षण था, लेकिन अब विकसित देश गरीब देशों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे कि हमारे देश में अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट किया हाइड्रोजन एनर्जी पर, हमारे देश में अमेरिका या बाकी संस्थाओं ने इन्वेस्टमेंट किया सोलर एनर्जी पर,
तो ये REDD प्लस के तहत है कि हम गरीब और विकासशील देशों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और क्या करेंगे इस इन्वेस्टमेंट में, ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कि उस गरीब और विकासशील देशों में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि CO2 एमिशन कम होगा। तो यहाँ प्लस जोड़ दिया गया बस इसमें। तो व्हाट इज द REDD? REDD प्लस इज ए फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टीज टू गाइड एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट सेक्टर एंड टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एज वेल एज द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इन डेवलपिंग कंट्रीज। It aim at the implantation of activities by the national government to reduce human pressure on forests that result in greenhouse gas emission at the national level, but at an interim measure also recognize subnational implantation. The implantation of REDD plus activity is voluntary and depend on the national circumstances, capacities and capability of each developing countries. तो इनका कहना यह है कि इससे तो गरीब देशों में CO2 emission कम होगा, लेकिन इससे विकसित देशों को भी benefit होगा कि वह CO2 emission को कम करने में technology में मदद करेंगे। तो 2013 का REDD plus एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की बातचीत भी करता है इंटरनेशनल लेवल पर। 2016 में UPSC ने सवाल पूछ भी लिया कि UNREDD प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं जैव विविधता के संरक्षण पर। ऑब्वियसली जब वनों का संरक्षण करोगे, वनों का संरक्षण करोगे तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन तो होगा ही, वन परिस्थिति की बिल्कुल ये तो होना ही है, और गरीबी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तीनों ही चीज़ें आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तीनों ही चीज़ें REDD में आएगी। पहले केवल यही था, लेकिन यही दो थे अब, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ पावर्टी रिडक्शन पर भी बातचीत है, तो गरीबी दूर करने में भी बातचीत करेंगे। फिर 2010 का कानकुन सम्मेलन क्यों फेमस है? तो कानकुन सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की बातचीत हुई थी। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया था, ग्रीन क्लाइमेट फंड एक पैसा बनाया गया कि भाई जैसे भूटान हुआ, मॉरिशस हुआ, ये देश तो संकट में आ गए ना जलवायु परिवर्तन के कारण, क्योंकि इनके यहाँ गरीबी और भी बढ़ने लग गई, तो इनके लिए क्लाइमेट फंड बनाया गया, भारत को भी इससे मदद मिलेगी। तो COP 16 में था ग्रीन क्लाइमेट फंड कानकुन 2010 का। फिर नागोया प्रोटोकॉल आया 2010 में, मैंने आपको बताया था कि यह CBD का ही एक संपूरक माना जाता है नगोया प्रोटोकॉल। इसमें आईची लक्ष्य लाए गए थे 2014 से, भारत ने भी इसका समर्थन किया है। बायोडायवर्सिटी पर एक तरीके से जिन लोगों ने अभी तक काम किया है उनको मदद करना, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि फेयर, ये जो तीसरा पॉइंट CBD में जोड़ा गया वो यही से था। नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन, ये लाया गया CBD के अंतर्गत नगोया में। और यहाँ आईची लक्ष्य भी लाए गए थे, आईची लक्ष्य, ये सबको बेनिफिट देने की बात करता है, सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी संरक्षण का, ऐसा वो कहता है। और इसी के तहत आईची लक्ष्य लाए गए थे, 20 आईची लक्ष्य है जो 5 कैटेगरी में बांटे गए हैं, जैव विविधता के नुकसान के कारणों को समझना, जैव विविधता पर डायरेक्ट प्रेशर को कम करना, जैव विविधता की स्थिति में सुधार लाना, जैव विविधता और परितंत्र सेवाओं को सभी तक पहुंचाना और साझेदारी को मजबूत करना। ये जो आईची लक्ष्य है ये 5 गोल में है। यदि उनकी वेबसाइट पर आप देखेंगे, वही जो हिंदी में अभी मैंने दिखाया था, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है एज इट इज। और ये 5 कैटेगरी को 20 कैटेगरी में बांटा गया है, इस 5 को, ये गोल है, 5 गोल है आईची लक्ष्य में, जिसको 20 कैटेगरी में बांटा गया है। देख सकते हैं कलर बदलेगा, ये पहले 4 लक्ष्य पहले स्ट्रेटजी के अंतर्गत है, फिर ये अगले
छह लक्ष्य हैं दूसरे के अंतर्गत, ये तीसरे के अंतर्गत हैं, ये चौथे के अंतर्गत है और ये पांचवे के अंतर्गत है। तो 20 लक्ष्य पांच स्ट्रैटेजिक गोल में बदले गए हैं, पांच स्ट्रैटेजिक गोल में। आईची लक्ष्य नगोया प्रोटोकॉल से आता है। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड मैंने आपको बताया था कि क्याटो प्रोटोकॉल में NF3 को भी शामिल किया गया, लेकिन क्याटो प्रोटोकॉल तो कुछ होने वाला नहीं था। फिर किगाली, किगाली में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, वैसे किगाली ओजोन का सम्मेलन है लेकिन इसमें HFC पर बैन लगाया गया क्योंकि HFC क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है, CO2 जो सॉरी ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए इस पर भी बैन किया गया किगाली के तहत। 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग को हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करने में इससे मदद मिलेगी, सॉरी 0.5 डिग्री सेल्सियस कम करने में इससे मदद मिलेगी अगर इसको बैन लगाया जाए तो। भारत ने भी किगाली पर साइन कर लिया है, भारत ने कहा है कि वो 2028 तक HFC के उपयोग को स्टेबल कर लेगा और 2047 तक 25 के लेवल का 15% तक कम कर देगा। तो भारत ने भी इस पर साइन कर लिया है। किगाली अमेंडमेंट 2016 का बड़ा फेमस है। ऑफिशियल वेबसाइट पर 0.4 लिखा है कि यदि हमने HFC पर पूरा बैन कर लिया तो जलवायु परिवर्तन में टेम्परेचर के बढ़ने को 0.4 डिग्री सेल्सियस से कम किया जा सकेगा। तो याद रखना किगाली एग्रीमेंट रिजोल्यूशन वी कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रेक, मतलब अब इसको तोड़ना ठीक नहीं होगा। किगाली समझौते को भारत का निर्णय, भारत ने भी समर्थन दे दिया। 2021 में भारत का भी निर्णय आ चुका है। भारत ने 2047 तक 80% कम करने की बात कही है, 10% 10% 10% और आखिरी के 5 वर्षों में सीधा 50% कटौती करेगा भारत। फिर पेरिस एग्रीमेंट, भाई ये बड़ा फेमस है पेरिस एग्रीमेंट, ध्यान से सुनना। 1997 में कॉन्फ्रेंस 3 में क्याटो प्रोटोकॉल आया, 2005 में कॉन्फ्रेंस 11 था जिसमें क्याटो प्रोटोकॉल लागू हुआ, तो इसका एक नया नाम बाद में, नया नाम मतलब नॉर्मल मीटिंग के बाद ये 16 देश के मंत्री मिलते थे तो कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर एग्रीमेंट, ये जो 16 देश जिन पर दबाव डाला गया था क्याटो प्रोटोकॉल के तहत वे मीटिंग करते थे। फिर 2015 में पेरिस सम्मेलन, अब क्योंकि पेरिस सम्मेलन के तहत आगे की रणनीति है 2021 की, तो एक नया जोड़ा गया यहां पर कॉन्फ्रेंस, सॉरी ये मिनिस्टर ऑफ पार्टीज था, पहले मिनिस्टर ऑफ पार्टीज था, मिनिस्टर ऑफ पार्टीज था ये क्याटो प्रोटोकॉल के बाद। तो पहले कॉप क्याटो लागू हुआ तो मिनिस्टर ऑफ पार्टीज शुरू हुआ, लेकिन 2015 में जब ये 21वां था तो ये 11वां था, तब कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर एग्रीमेंट पेरिस सम्मेलन के लिए बाद में मीटिंग होने लगी कि 21 से क्या काम करेंगे हम लोग। तो जलवायु समझौता है कानूनी रूप से बाध्यकारी है, 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। इस समझौते में सभी देश हैं, कितना कम करना है नहीं पता, हाँ लेकिन इतना कम करना है कि 2100 तक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, लेकिन बढ़ जाए तो 2 से ज्यादा ना बढ़े। हर एक देश अपना अपना तय करेगा। और 55% एमिशन करने वाले 55 कंट्रीज जब तक इस पर साइन नहीं करती तब तक ये लागू नहीं हो सकता था, बट जल्दी लागू हो गया क्योंकि टेंशन किसी कंट्री को था ही नहीं ना। देखो ना कितने जल्दी लागू हुआ। क्याटो प्रोटोकॉल सच में अच्छा प्रोटोकॉल था, 2005 में लागू हुआ, 97 में आया था, फिर भी ये एक साल में ही लागू हो गया, एक साल में लागू हो गया। भारत ने भी साइन किया था गांधी जयंती पर। सबको पहली बार विकसित विकासशील देश दोनों ने राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन शब्द पर गौर कर लीजिए, INDC, हर एक कंट्री का अपना अपना INDC तय करना है कि भाई आप कितना कम करोगे। अमेरिका इससे अलग हुआ था लेकिन बाइडेन के आने के बाद अब वापिस जुड़ चुका है, अब ये वापिस शामिल हो चुका है कि भाई अब हम वापिस आ चुके हैं। 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, पहला टारगेट तो 1.5 डिग्री है लेकिन नहीं हुआ तो 2 डिग्री कम करना है। 2016 में भारत ने साइन किया, भारत ने क्या INDC तय किया है,
कि 2005 के लेवल की तुलना में 2030 में हम लोगों का CO2 एमिशन 33 से 35% कम होगा। भारत ने अपना INDC तय किया है कि 2030 तक हम अपना CO2 एमिशन 2005 से कम कर देंगे। इसीलिए तो भारत ने 2030 में पूरे रेलवे का विद्युतीकरण करने की बात कही है। 2030 तक में सोलर एनर्जी, हम नवीकरणीय ऊर्जा पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं इसी वादे को पूरा करने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, 2016 से लागू हो गया है, 2015 में आया था, लागू 2016 में हुआ और भारत ने भी इसको साइन कर लिया है। हर एक देश का अपना अपना INDC है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब जहां पर क्याटो प्रोटोकॉल में ऊपर से दबाव डाला गया था, पेरिस में नीचे से खुद तय करने के लिए कहा है कि खुद डिसाइड करिए क्या करना है और इसकी चेकिंग होगी, खुद ही खुद के ही देश के अलग अलग पर्यावरणविद चेक करेंगे कि सही काम हो रहा है कि नहीं। यह हर एक कंट्री को तय करना है। हाउ आर वी ट्रैकिंग प्रोग्रेस, हम कैसे प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे, तो पेरिस एग्रीमेंट कंट्रीज एस्टैब्लिश एन एनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क अंडर द ETF स्टार्टिंग इन 2024, 2024 से अब इसकी रिपोर्टें आनी शुरू होगी और आपका सिलेबस और बढ़ता चला जाएगा कि क्या कह रहा है ग्लोबल स्टॉक एक्सेस प्रोग्रेस के तहत। यह शुरू हो जाएगा 2024 से ट्रैकिंग करना कि वादे पूरे हुए या नहीं हुए। पढ़िए जरा क्वेश्चन और बताते चलिए कि क्या आंसर होगा। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में, इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह 2017 से लागू हुआ। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें इस सदी के अंत तक औसतन वैश्विक तापमान की वृद्धि इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में 2 डिग्री या कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री से अधिक ना हो, और विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रतिवर्ष $1,000 अरब की बातचीत नहीं थी, केवल और केवल $100 अरब देने की बातचीत की है इन्होंने, बट केवल और केवल भी दूसरा वाला सही था, आंसर बड़ा इजीली आ जाएगा। फिर 2019 में मैड्रिड सम्मेलन हुआ, स्पेन के मैड्रिड शहर में, क्या सम्मेलन है भाई ये COP25 था। पेरिस के लक्ष्यों के अनुरूप पृथ्वी पर वैश्विक तापन के लिए GHG कटौती के लिए तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया गया। तो वैसे तो स्पेन के मैड्रिड में हुआ, लेकिन चिली में होने वाला था, चिली में चुनाव थे तो स्पेन में कराया गया। तो 2019 का यह सम्मेलन था COP25, मैड्रिड चिली। फिर मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए मैंने कहा था कि कॉप 2019 में नई दिल्ली में आया था, देख लिया था हमने कि भूमि, ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 2019 का दिल्ली में सम्मेलन था, दिल्ली में हुआ था, इसलिए थोड़ा चर्चा का विषय है, याद रखिएगा। ये मरुस्थलीकरण के लिए 15वां सम्मेलन है, कोटे डी आयोरी में होने वाला नया सम्मेलन है, 2022 में होगा ये, तब करंट अफेयर में हम चर्चा में देखेंगे इस सम्मेलन को। 2022 में ये नया सम्मेलन आएगा, पिछला दिल्ली में हुआ था, अब सीधा 2022 में होने जा रहा है। फिर जलवायु परिवर्तन पर IPCC की नई रिपोर्ट है और ये 6ठी आकलन रिपोर्ट का पहला भाग है अभी, और ये रिपोर्ट काफी चिंतामय है। ये बताती है कि भाई ये जो नई रिपोर्ट है, हम बहुत पीछे हैं जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने में। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान अगले 20 वर्षों में 2040 तक औद्योगिक स्तर के 1.5 डिग्री सेल्सियस और उत्सर्जन में तीव्र कमी के बिना सदी के मध्य तक ही 2 डिग्री हो जाएगा। मतलब आप जो सोच रहे थे 2100, ये 2050 में ही पहुंच जाएगा। पिछले दशक, पिछले 1,25,000 वर्ष में किसी भी अवधि की तुलना में सबसे अधिक गर्म वर्ष था पिछला वाला दशक, पूरे 10 साल। वैश्विक सतह का तापमान 2011-20 के दशक में 1850-90 की तुलना में बढ़ गया, मतलब इन 10 वर्षों में तापमान सीधा इतना बढ़ा जो कि 50 वर्षों में भी नहीं बढ़ा था।
समुद्र का स्तर 3 गुना बढ़ रहा है, 3 गुना की वृद्धि हुई इन 71 वर्षों में। रिपोर्ट बड़ी भयानक है, रिपोर्ट कह रही है कि हम एक विनाश के कगार पर खड़े हैं। ग्लोबल वार्मिंग का हिमालय के साथ साथ पूरे दुनिया के पर्वतों पर भी बुरा असर पड़ेगा, मानसूनी वर्षा से लेकर चीजें बदलेगी। 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक सम्मेलन हुआ है, अभी लेटेस्ट वाला, स्कॉटलैंड सरकार थी, 40 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि द्वारा जलवायु परिवर्तन, ये COP26। भारत, अमेरिकी, चीन जैसे देशों द्वारा अपने अपने स्तर पर अनौपचारिक रूप से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपाय किए जाने पर प्रतिबद्धता व्यक्त हुई, और इस प्रतिबद्धता के तहत अब यूके ने 2030 तक वनों की कटाई को रोकने की घोषणा की है। 2021 मेंस में सवाल आया था कि 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। वैसे कुछ ज्यादा सोचिएगा नहीं, वही जो बातें पुरानी घिसी पिटी है ना, वही लिख देते तो भी उत्तर आ जाता। तो ये हो गए विश्व के सारे संगठन, भारत के कुछ ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भारत का सबसे पुराना 1883 का संगठन है, आत्माराम पांडुरंग और डॉक्टर सखाराम अर्जुन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत का सबसे बड़ा सबसे पुराना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नाम से एक जनरल भी प्रकाशित होता है। तो BNHC भारत का सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है, कई वैश्विक संगठनों के साथ ये जुड़ा हुआ है। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन नहीं है, यह पूरी तरह से ऑटोनॉमस है और पूरी तरह से यह NGO के रूप में काम करता है। तो दूसरा और तीसरा पहला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्रा और शिविरों का आयोजन करता है। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के पादप संसाधनों का रिसर्च करना, भारत में कुल कितने वनस्पतियां हैं, कहां ज्यादा हैं, वनों के बारे में भी आंकड़े जारी करने की कोशिश करता है। बट ये वनों वाले वो आंकड़े नहीं जारी करता जो दो दो सालों में आते हैं, ये एक्चुअली फिजिकल सर्वे सुपरविजन करता है और वनों के संरक्षण के लिए बाकी चीजों पर भी ध्यान देता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में भी याद रखिएगा, ये भारत सरकार का है, एक इंस्टीट्यूट है जो पूरी तरह से बोटनी पर गौर करता है। जूलॉजिकल वाला भी ऐसा ही है जो 1916 में बनाया गया, वन्य जीवों के लिए संरक्षण का काम करता है, ये कोलकाता इसका मुख्यालय है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अधिनियमों पर हम अलग से चर्चा करेंगे, अधिनियम को अभी नहीं पढ़ रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट 1980, गैर सरकारी संगठन NGO है, अनिल कुमार अग्रवाल इन्हीं के द्वारा बताया गया था कि पेप्सी में बहुत ज्यादा, सुनीता नारायण इस समय इसको संभाल रही है, पेप्सी में बहुत सारे पेस्टिसाइड है। फिर भारतीय वन्य जीव संस्थान, इंडियन वाइल्ड लाइफ या इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है, ये फॉरेस्ट वन्य जीव नहीं है, वनस्पति या वन संस्थान है, ये वन संस्थान, वन्य जीव नहीं वन संस्थान है, ये भी सरकार का है, देहरादून में है, उत्तराखंड। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता पर काफी रिसर्च करने वाला संस्थान है, 1982 में बनाया गया। सलीम अली पक्षी विज्ञान कोयम्बटूर में है, हमारे देश में सलीम अली जी को बर्ड्समैन की संज्ञा दी जाती है, कोयम्बटूर में स्थित है, 1990 में बनाया गया है पूरी तरह से पक्षियों के संरक्षण के लिए। और कैंपा कोष, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, क्षतिपूर्वक वनीकरण के लिए राज्यों को दिए गए कोष का पर्याप्त उपयोग करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक समेकित कोष है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसका निर्माण किया गया था ताकि एक तरीके से राज्यों को मदद की जा सके संरक्षण के कामों में, वनों के संरक्षण के कामों में। तो ये भारत के सारे इसमें संगठन भी आ गए हैं, लेकिन कानूनों को हम अलग से पढ़ेंगे, भारत में संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, एक क्लास उस पर भी लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब सारी चीजें इसमें सीक्वेंस वाइज क्लियर हो चुकी होगी, इससे ज्यादा संगठन करने की जरूरत नहीं, रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। बाय, आज शाम को 7:30 बजे हम लेंगे रीजनिंग में एक और टॉपिक, आज रीजनिंग का एक और टॉपिक कवर